तो आज हम इस वेबिनार तरंग संगोष्ठी की श्रृंखला में अपना दूसरे इस लॉकडाउन का चौथा वेबिनार करने जा रहे हैं। इसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार वाषणेय जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम को प्रेजाइड करेंगे डॉक्टर राकेश पंडित जी, हमारे आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं इस कार्यक्रम के, उनके नाम है प्रोफेसर जीडी शर्मा जी, श्री प्रवीण देश पांडे जी, डॉक्टर नेहा शर्मा जी। इनका विस्तृत परिचय हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो कार्यक्रम का प्रारंभ अपनी जो परंपरा है उसी के अनुसार हम धन्वंतरी स्तवन से करेंगे। मैं डॉक्टर दयाल जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्वंतरी स्तवन के लिए उपस्थित हों। डॉक्टर जगजीत दयाल, सभी को नमस्कार। सबसे पहले कमर सीधी, सभी कमर सीधी करेंगे, ध्यान मुद्रा में आ जाएंगे और आंखें बंद करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस, धन्वंतरि सत्वन। नमामि धन्वंतरिम् आदिदेवम् दुरासुरे वंदित पाद पद्मम् लोके जरारुक भय मृत्यु नाशम् दातारम् ईशम् विविदौषधीना ना त्वं कामय राज्यम् ना स्वर्गम ना पुनर्भवम् कामय दुख तप्तनाम प्राणिनाम आति नाशनम। ओम धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर देहल जी। साथियों, आज हम कोरोना की इस महामारी के दूसरी लहर का सामना, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर देहल जी। साथियों, आज हम इस कोरोना की महामारी की दूसरी लहर का सब लोग मिलजुल के सामना कर रहे हैं। अभी तक की सांख्यिकी जो स्टैट्स हमारे पास आए हैं उसके अनुसार ये लगता है कि ये लहर पहली लहर से अधिक घातक साबित हो रही है, अधिक पावरफुल है। इस कोविड की द्वितीय लहर की महामारी का मुकाबला करने के लिए हम सब अपने घरों में रहकर जो सरकार द्वारा नियम बताए जा रहे हैं सब काम पालन करते हुए घरों में रह रहे हैं। अधिकतर लोग अपने घर में बैठे हुए इस लॉकडाउन की दूसरे लगभग अधिकतर स्थानों पर लॉकडाउन चला हुआ है। तो इस लॉकडाउन के कारण जो हम व्यथित होते हैं घर में बैठे बैठे, मन में अनेकों अनेक विचार आते हैं, कई बार तो डिप्रेशन हो जाता है। सामान्य व्यक्ति घर में बैठा क्या करे, तो उस डिप्रेशन इत्यादि से निकलने के लिए, मन में स्ट्रेस जो हो जाए उस स्ट्रेस से निकलने के लिए हमें योग किस किस प्रकार सहारा दे सकता है, इस बात के लिए, इस बिंदु को मुख्य रखते हुए डॉक्टर राकेश पंडित जी जो आरोग्य भारती के राष्ट्रीय सचिव हैं उनके मार्गदर्शन में हमने इस वेबिनार का आयोजन किया। विभिन्न विशेषज्ञ जो इस योग से संबंध रखते हैं उनको संपर्क किया गया, उनका समय लेकर के आज हमने उनका उद्बोधन सुनने का हमें मौका मिलेगा, हमारा मार्गदर्शन करेंगे वो। तो अपने आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अशोक वाषणेय जी, हमारे जैसे मैंने पहले बताया। तो इन सभी का जो विशिष्ट परिचय, जो विस्तृत परिचय करवाने के लिए मैं अपने आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश के प्रांतीय सचिव डॉक्टर हेमराज जी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि व हमारे अन्य वक्ताओं का परिचय करवाएं और कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए हमें सहयोग करें।
धन्यवाद डॉक्टर अनिल जी। आज योग के इस वेबिनार में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं बहुत सी प्रतिष्ठित महानुभावों को देख रहा हूं, परंतु जैसे कि मुझे आदेश हुआ है, मैं कुछ प्रमुख परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक बाक्षने जी, हम सब के जाने पहचाने, आपने 1986 में अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की। बाद में इसी यूनिवर्सिटी में आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर अध्यापन का कार्य भी आपने किया, और उसका नौकरी छोड़ करके आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। प्रचारक की भूमिका हम सब बंधु जानते ही हैं। आप लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में विभिन्न दायित्वों पर प्रचारक के नाते रहे। उसके पश्चात आप कानपुर और झारखंड प्रांत में प्रांत प्रचारक, इस नाते आपने संघ में भूमिका निभाई, और सन 1912 से आप हमारे आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर राकेश पंडित जी। एक बात मैं बीच में छोड़ गया, डॉक्टर अशोक बाक्षने जी का जो केंद्र है वो मध्य प्रदेश भोपाल है। डॉक्टर राकेश पंडित जी, आपने 1977 में डीएबी आयुर्वेदिक कॉलेज जलंधर से यूजी की, तदुपरांत 35 वर्ष तक आप का जो एज मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट ओएसडी हिमाचल गवर्नमेंट में 35 साल का आपका अनुभव है। 1987 में स्टडी लीव लेकर आपने बीएचयू बनारस से एमएस की, और बाद में हिमाचल गवर्नमेंट के आयुर्वेद डिपार्टमेंट से आप डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद भी आप हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री भारत सरकार में एज कंसल्टेंट रहे, और हमें गर्व है कि आप आरोग्य भारती के आज राष्ट्रीय सचिव हैं। आपका केंद्र हिमाचल प्रदेश शिमला है। इसी प्रकार जो आज हमारे एक्सपर्ट स्पीकर हैं, उनमें डॉक्टर जीडी शर्मा, आप पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं, फॉर्मर चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ योगा स्टडीज इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आप रहे हैं, योगा एक्सपर्ट टीचर एंड डिप्लोमेट JNICC जकार्ता इंडोनेशिया में, मेंबर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ NCT PKDL एंड आयुष। आपने बहुत सारे MPhil और PhD के स्कॉलर के आप गाइड भी रहे हैं, और आप अवार्डेड ऑनर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड फॉर योगा एक्सीलेंस। आपका इस वेबिनार में हम हिमाचल आरोग्य भारती की तरफ से स्वागत करते हैं। हमारे अगले स्पीकर रहेंगे डॉक्टर नेहा शर्मा, आप भी PhD हैं, डायरेक्टर आरोग्यम इन इंग्लैंड, 70
हेमराज जी म्यूट हो गए, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हेमराज जी वीडियो ऑन करें तो अच्छा लगेगा, आवाज तो आ रही है। आप WHO में एडवाइजर रहे हैं, यूनिसेफ ग्लोबल कैंपेन्स में रिसर्च डायरेक्टर, इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम इन एशिया, अफ्रीका, यूरोप, USA एंड ऑस्ट्रेलिया, ऐसा आपका प्रोफाइल है। आपका इस वेबिनार में हम स्वागत करते हैं। और इसके अगले स्पीकर हमारे रहेंगे इंजीनियर प्रवीण देशपांडे जी। बेसिकली आप इंजीनियर हैं और डायरेक्टर आरोग्यम योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर नासिक में। आप पोस्ट ग्रेजुएट योगा योगिक साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक्सपर्ट टीचर इन योगा वैद्य योगिक साइंस गुरुकुल तलवांडे त्रिवंगेश्वर और नासिक में। आपका भी हिमाचल प्रदेश के इस वेबिनार में हम स्वागत करते हैं। बहुत से भी और प्रतिष्ठित लोग आज हमारे बीच में शामिल हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकूंगा, तहे दिल से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर हेमराज जी। अब मैं अधिक समय ना व्यर्थ करते हुए सीधे डॉक्टर हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी। इस वेबिनार में उपस्थित आरोग्य भारती के राष्ट्रीय सचिव और इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर राकेश पंडित जी, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अने मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर जीडी शर्मा जी, जिनके बारे में अभी हेमराज जी ने जानकारी दी है, डॉक्टर नेहा शर्मा जी, श्रीमान प्रवीण देशपांडे जी, आरोग्य भारती हिमाचल के अध्यक्ष डॉक्टर चमन सिंह चौहान जी, सचिव डॉक्टर हेमराज जी शर्मा, हमारे राष्ट्रीय स्तर के दो तीन पदाधिकारी इसमें जुड़े हैं, डॉक्टर विनय सिंह जी जो हमारे भारतीय स्वास्थ्य चिंतन की चिंता करते हैं पूरी, सुश्री मनिंदर जी कौर जी उत्तर क्षेत्र की, वे हमारी महिला प्रमुख है पंचकुला से, कई प्रांतों के हमारे अध्यक्ष सचिव जुड़े हैं इसमें, झारखंड के बोकारो से कई लोग जुड़े हैं, दिल्ली के हमारे राजेश तलवार जी, पंचकुला से पवन जी प्रांत के अध्यक्ष हैं, उड़ीसा के हमारे दोनों उड़ीसा के दोनों प्रांत सचिव हैं, युधिष्ठिर नायक जी भी हैं, कार्तिकेश्वर प्रधान जी भी हैं, सरोज सोनी जी भी रीवा से जुड़ी हैं, और बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी भी जुड़े हैं बिलासपुर से, डॉक्टर अंगद सिंह जी कानपुर से जुड़े हैं इसमें, बी के माथुर जी हमारे अगर वही है तो हमारे जोधपुर प्रांत के अध्यक्ष हैं, जोधपुर से जुड़े हैं इसमें। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो कम जानते हैं, डॉक्टर महेश दधीची जी हमारे हरियाणा के वहाँ के आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं, सभी को नमस्कार। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ, चूंकि मैं पहला ही वक्ता हूँ इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन लगेगा। अभी कोरोना का कालखंड है और इस कोरोना कालखंड में हम सब जानते हैं एपिडेमिक है, कोई मेडिसिन भी नहीं है एग्जैक्ट, ये भी हमको मालूम है। अभी एक 2DG नाम से एक दूसरी एक मेडिसिन डेवलप हुई है, केवल प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर ही सभी रोगी ठीक हो रहे हैं। एपिडेमिक है तो आइसोलेशन भी है, लेकिन आइसोलेशन ही अलग अलग प्रकार का है। जो कोविड पेशेंट है उनका तो आइसोलेशन है ही, जो एसिप्टोमेटिक है उनका भी आइसोलेशन है, जो अन्य लोग हैं जो कुछ भी नहीं है वो घरों में आइसोलेटेड, ऐसे भी लोग हैं, तो अलग अलग प्रकार का आइसोलेशन है। थोड़े समय तक आइसोलेशन अच्छा लगता है,
कि बाहरी वायुमंडल से घर में रहते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन जब लंबा समय बीतता है तो हर एक के अलग अलग प्रकार के अनुभव आते हैं। जो थोड़े से क्रिएटिव है वे अपने इस खाली समय का अच्छा सदुपयोग कर लेते हैं। महिलाएं नई रेसिपी बना लेती हैं, कोई पुस्तक पढ़ लेता है, कोई चित्रकारी कर लेता है, कोई घर का सामान ही ठीक ठाक कर लेता है। तो अलग अलग प्रकार से उपयोग करते लोग अपनी क्रिएटिविटी का ज्यादा। और एक चीज सबके ध्यान में आती है कि परिवार के सदस्य लंबे समय तक साथ में रहते हैं तो इसलिए एक दूसरे को समझने में सुविधा होती है। लेकिन सभी के अनुभव एक समान नहीं होते, कुछ लोगों के अनुभव इससे अलग भी रहते हैं। जिनकी पीआर पब्लिक रिलेशन या जनसंपर्क कम है उनको बहुत कठिनाई होती है, वो अपने को अकेला ही अनुभव कर समझते हैं। या जिनकी क्रिएटिविटी नहीं है, केवल एक बनी बनाई लकीर पर ही चलते हैं, उनको भी एक समस्या है। बहुत सारे लोगों को आर्थिक समस्या भी है, काम की, व्यापार की, नौकरी की। पारिवारिक समस्या भी है, सभी बच्चों का स्वभाव एक समान नहीं होता, हर एक का स्वभाव अलग अलग भी रहता है। परिवार में तीन पीढ़ियां हैं तो जो वृद्ध लोग हैं उनकी अपनी अलग अलग समस्या होती है। फिर कुछ रोगी रहते हैं, कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनकी अलग समस्या है। वर्तमान में जो भी हो गए, जो रोगी हो गए अभी ठीक हो गए, उनकी एक और एक समस्या है। और एक पहलू और ध्यान में आएगा कि इस समय जितने रोगी हैं उनमें 80% रोगी ऐसे हैं जो अननोन फियर के कारण से या ऋतु परिवर्तन के कारण से रोगी बने हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं ये सब किसी न किसी तनाव से ग्रस्त है, वो व्यक्तिगत होगा या सामूहिक होगा। और जब व्यक्ति को तनाव होता है तो शरीर में दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनको हम एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल के नाम से जानते हैं, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से कहलाता है। जैसे ही एडिनलिन और कॉर्टिसोल सिक्रीट होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है शरीर में कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म भी चेंज होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। आयुर्वेद में उसी को बोलते हैं कि यह तनाव मन और शरीर दोनों को प्रभावित करता है, परिणाम वात की वृद्धि होती है। उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, कब्ज हो, चाहे सांस तेजी से चले, चाहे अधीरता हो, इम्पेशेंसी हो, ये दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ये समस्या तो है, करना क्या, व्हाट टू डू। तो ऑपरेटिव पार्ट में 11 बिंदुओं में समझाता हूं, छोटे छोटे, एक बिंदु बड़ा है बस, बाकी सब छोटे छोटे। पहला बिंदु है एनालाइज द सिचुएशन, कि हम जिस स्थिति में उसका आकलन करें, कोविड है, बाहर नहीं जा सकते, हर तरफ जो निर्बंध के नियम है उन नियमों का पालन करना, उस सिचुएशन का विश्लेषण करते हुए आना चाहिए कि हमारे आसपास की सिचुएशन कैसी है, परिवार की, मोहल्ले की, नगर की, देश की। तो पहला बिंदु है एनालाइज द सिचुएशन। दूसरा है कि हमारी अपनी लिमिटेशंस है, नो योर लिमिटेशंस, कि हम इस अवस्था में क्या कर सकते हैं। हम बाहर नहीं जा सकते, थोड़ी दूर जा सकते हैं क्या, तो क्या क्या कर सकते हैं, अपनी लिमिटेशंस को ध्यान रखना। तीसरा, स्थिति जैसी भी है उसको स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार मनोबुद्धि चाहिए, एक्सेप्ट द सिचुएशन। ये थर्ड पॉइंट, इस सिचुएशन को हम एक्सेप्ट करें। चौथा, हमने एक्सेप्ट कर लिया, लिमिटेशंस मालूम है, एनालाइज भी कर लिया, लेकिन जब तक हम उसका आनंद नहीं लेते, एंजॉय नहीं करते, तब तक हमको तनाव दूर नहीं होगा। अब उदाहरण के लिए, घर में नौकर नहीं आया, भाई नहीं आई, तो हमको काम करने का अभ्यास चाहिए, उसी में आनंद हमको मालूम है। हमारे पास कम संसाधन है उसका हमको मालूम है, तो उन कम संसाधन का भी हमको ध्यान में रहना चाहिए। तो इसलिए ये जो स्थिति है, इस स्थिति को ध्यान में लेकर हम एंजॉय द सिचुएशन, एंजॉय द एटमॉस्फेयर। पांचवा, यूज योर क्रिएटिविटी। इस अवस्था में
हम क्या क्या काम कर सकते हैं, नई नई चीज सोचना, अपने घर को व्यवस्थित कर सकते हैं क्या, कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं क्या, हमारी गीत गाना सुनने की आदत है सुनेंगे ना, चित्रकारी की आदत है करेंगे ना, गाने की आदत है गाएंगे ना, कीर्तन कर सकते हैं करेंगे ना, हमारी क्रिएटिविटी क्या है, इस क्रिएटिविटी को करना चाहिए। छठा, कम्युनिकेशन, संवाद, जहां पर हम हैं जो जो लोग उपलब्ध हैं उन सबसे संवाद बना, बाहर से मोबाइल से और किसी माध्यम से संवाद बना के रखना, इंटर और इंट्रा दोनों कम्युनिकेशन जो बना के रखेगा तनाव गम दूर कर सकते। सातवां, थोड़ा कठिन है, कहना आसान है, थिंक पॉजिटिव। आजकल हम जीतेंगे, पॉजिटिविटी अनलिमिटेड लेक्चर सीरीज चल रही है, हम सुन रहे होंगे तो मेरे ध्यान में आता है कि थिंक पॉजिटिव एक बहुत फाइन लाइन है सोचने के बारे में, हम कैसा सोच रहे हैं। हम लॉकडाउन में है, छोटी सी चीज है, हम घर के अंदर है, एक व्यक्ति कहता है अरे हम तो घर के अंदर फंस गए, उसी सिचुएशन को दूसरा व्यक्ति कहता है अरे हम घर में है तो चलो सुरक्षित है। सिचुएशन एक ही है लेकिन अलग अलग प्रकार से लोग उसको वर्णन कर रहे हैं और इसीलिए ये पॉजिटिव है। कल प्रमाण सागर जी महाराज जो दिगंबर जैन संत है उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, समस्या है, समस्या आई है तो जाएंगे भी, इसलिए तो पॉजिटिविटी। आठवां है जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, पत्र पत्रिका सोशल मीडिया, हेल्दी लाइफस्टाइल। कहने को आसान है, हमने जो भी स्टाइल अभी अपना ली है उससे दूर स्वस्थ जीवन शैली, बल्कि कल सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने कहा था, हम सबने सुना होगा, उन्होंने कहा थिंक अबाउट लाइफ नॉट द लाइफस्टाइल। जीवन शैली के बारे में हम चर्चा करते हैं के बारे में, उसके उनके लिए क्या क्या लाइफस्टाइल चाहिए वो अपनाना चाहिए। हमारी दिनचर्या प्रकृति आधारित दिनचर्या है क्या, हो सकती है क्या, हम ऋतुचर्या का पालन कर रहे हैं क्या, कैसे कर रहे हैं, आहार विहार कैसा है हमारा, मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा, तो भी हमारा मौसम के अनुरूप जलवायु के अनुरूप यह आहार विहार चाहिए। नवा, ये थोड़ा लंबा है, व्यायाम, हम जो भी व्यायाम कर सकते हैं टहलना कर सकते, लेकिन जो आज का विषय है योग के द्वारा कम्बैट करना, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा जरूर बताऊंगा। योगासन जब करते तो उसके पहले भी दो चीजें, यम और नियम, तीसरे पर आता है योगासन, ये यम और नियम में का जो हम पालन करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को ठीक रखते हैं, नियमित रहते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी ठीक रहती है। मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बताता हूँ कि जब तनाव आता है और वात का प्रभाव होता है तो शरीर स्टिफ हो जाता है, कब्ज हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारी श्वास छोटी हो जाती है लेकिन गति बढ़ जाती है, इम्पेशेंट हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं, यह तनाव का लक्षण। योगासन से हम अपनी स्टिफनेस को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार योगासन करना, हर एक का शरीर एक समान नहीं होता और इसलिए जिसके शरीर की जैसी क्षमता है वैसा करें, लेकिन जो करना है वो नियमित करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा, 45 मिनट, 60 मिनट, इतना समय तो निकालना ही चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते, हम सरल संधि व्यायाम कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सरल आसन कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, त्रिकोण आसन कर सकते हैं, उत्तान पादासन कर सकते हैं, छोटे छोटे आसन जो हमको मालूम है, हर एक का लाभ होता है। इस शरीर की विशेषता है कि हम कुछ भी एक्टिविटी करेंगे उसका प्रभाव दिखलाई पड़ता है, और जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं वैसे वैसे हम अभ्यस्त होते जाते हैं, हम कठिन आसन की ओर बढ़ सकते हैं, ध्यान रखें। लेकिन एक चीज का अवश्य ध्यान रखना है,
कि जितने भी हमने शारीरिक व्यायाम किया अंत में शवासन करना अनिवार्य है, कि जितनी एनर्जी हमने खर्च की हम जब शवासन में लेटते हैं तो शरीर में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करते हैं और धीमे धीमे दोबारा हम जब वापस अपने आस्था में पहुंचते हैं तो हमको लगता है योगासन से हमको क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिली, एक्टिविटी मिली, सच अलर्टनेस आ गई। दूसरा पहलू है प्राणायाम। प्राणायाम में बहुत सावधानी से करने की जरूरत है, बहुत सरल प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग करना हर व्यक्ति कर सकता है, जितने सेकंड में हम सांस लेते हैं उससे अधिक सेकंड में सांस निकालने का अभ्यास कर, विशेषकर इस तनाव के वायुमंडल में तो अत्यंत आवश्यक है। हम थोड़ा मॉनिटर करें, धीमे धीमे समय बढ़ाते जाए, जितना हम देर में सांस निकालेंगे लंग्स को खाली करेंगे उतना ही अधिक ऑक्सीजन अंदर जाए, उतना ही अधिक अलर्टनेस आती है। लेकिन सांस को रोकना नहीं, जबरदस्ती नहीं करना, अनुलोम विलोम हम कर सकते हैं। सरल भ्रामरी, अगर सामान्य भ्रामरी नहीं कर सकते तो सरल भ्रामरी प्राणायाम जिसमें हम मस्तिष्क को कंपन देते हैं, जीभ को जब अपर पैलेट से टच करते हैं तो जैसे जैसे वाइब्रेशन डाउन होती है हमको शांति मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, हमारी क्रिएटिविटी जागृत होती है, स्टेबिलिटी तैयार मतलब बनती है हमारी, और इसलिए सरल भ्रामरी करना। कपाल भाती, हर व्यक्ति आज कपाल भाती कर रहा है, नहीं हर एक के लिए कपाल भाती नहीं है, जिनको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है उनको नहीं करना चाहिए, जिनको हेड इंजरी हुई है उनको भी नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिला है उनके लिए भी मना है, ऐसे कुछ लोगों के लिए मना रहता है, तो जिनको नहीं है वो कपालभाती कर सकते हैं, करना चाहिए तो ध्यान में आएगा। वैसे प्रत्याहार, बाहरी उत्तेजनाओं को नियंत्रित करना, हम टीवी देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, टेबलेट पर है, मोबाइल पर है, सोशल मीडिया पर है, थोड़ी देर के लिए दूर रहिए, कोई समस्या आई है समस्या को थोड़ा दूर रखिए, थोड़े समय कितने समय तक कर सकते, और इस सबको ठीक करने के लिए क्या करना, तो हर व्यक्ति कर सकता है, लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ाना, सुनने की क्षमता बढ़ाना, ये दसवां बिंदु है कि जो व्यक्ति जितना सुन सकता है उतने अपने को स्थिर कर सकता है। मौन, मौन का अभ्यास मैं यहां तो नहीं बताऊंगा, केवल एक रेफरेंस बता देता हूं, एक पुस्तक है दीपक चोपड़ा की, 7 Spiritual Laws of Successful Life, सफल जीवन के 7 आध्यात्मिक नियम, बाजार में प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया, अभी हिंदी में भी है, अन्य भाषाओं में भी है, मूल इंग्लिश में है। उसमें पहला ही पार्ट चैप्टर है लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, पूर्ण सामर्थ्य का नियम, कि व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कैसे करे, और उसमें एक मौन का प्रयोग बताया है कि इस मौन को कैसे करना चाहिए। इसके बारे में पिछले दिनों मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, सबको लिए कारगर होगी, दो मित्र, टॉलस्टॉय की कहानी है, लेखक उसने लिखी है, उस कहानी का शीर्षक है शर्त, और उसमें ऐसा है कि दो मित्र हैं, आपस में दोनों में शर्त होती है, एक व्यापारी होता है उसमें से, कि 1 महीने तक कमरे में बंद होकर भारी वायुमंडल से अलग रह सकता है क्या कोई व्यक्ति, तो एक दूसरे मित्र उसका तैयार हो जाता है, बोले हाँ मैं रह सकता हूँ, महीने भर तक रह सकता हूँ, मुझे भोजन जलपान देते रहिए, कुछ पुस्तकें देते रहिए, मुझे भारी वायुमंडल से नहीं रहना, मैं अकेले रह लूंगा। और दूसरे वाला मित्र ने कहा अगर आप रह लोगे तो मैं 10,000 रुपए दूंगा, तो उसके लिए बस्ती के बाहर एक अच्छा कमरा व्यवस्थित किया, सुबह दोपहर शाम उनको भोजन जलपान पहुंच जाता था, पुस्तकें थी, बाकी सब सुविधाएं थी। ये जो मित्र था जो कमरे के अंदर बंद था, 1-2 दिन तो इसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद 3rd-4th दिन थोड़ा उसको परेशानी हो गई, 5वें दिन तो वो बाल नोचने लगा, इतना तनाव में आ गया, 6th-7th दिन थोड़ा स्टेबल, तो उसने समझौता किया परिस्थिति से, धीमे धीमे उसको उसमें आनंद आने लगा। इस बीच में ये जो व्यापारी दूसरा मित्र था वो सोचने लगा कि अगर वो 1 महीना रह लिया तो मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो कोई तरकीब निकालने लगा क्या करे वो। दूसरा पहले वाला था
वो सोचता था मैंने शर्त अगर तोड़ी तो मुझे 10,000 देने पड़ेंगे, तो शर्त भी नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन छठे सातवें दिन के बाद उसको अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उसी में आनंद की अनुभूति आने लगी। जब 29 दिन हो गए तो दूसरा मित्र को सोचा, दूसरे मित्र ने सोचा चलो देखता हूं मेरा मित्र का क्या हाल। वो पहुंचा, देखा दरवाजा खुला हुआ, मित्र चला गया था थोड़ी देर पहले, और एक पत्र रखा है। उस पत्र में लिखा था कि मैं इस 29 दिन में मैंने जो मौन रहकर के, अकेले में रहकर जो वास्तविक आनंद की अनुभूति की है, वो तुम्हारे 10,000 रुपए में नहीं हो सकती, और इसीलिए आपको 10,000 रुपए न देने पड़े इसलिए मैं शर्त को अभी एक दिन पहले तोड़ करके जा रहा हूं, और मुझे वास्तविक आनंद की अनुभूति हो गई है। यह है मौन का आनंद। मौन के लिए अभ्यास करना पड़ता है, प्रारंभ में कठिनाई होती है लेकिन वह अवश्य ही परिणाम देता है। तीसरा, जप का अभ्यास भी कभी कभी इसमें लाभ करता है। जो ज्यादा क्रिएटिव नहीं होते, कोई भी एक मंत्र लेकर उसका जप करे अनामिका उंगली के साथ, माला के साथ, तो उसका भी लाभ मिलता है। जस्ट लाइक एक मैग्नेटिक सिस्टम, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स इनलाइन हो जाते हैं। और ग्यारहवा अंतिम, एक छोटी सी मैंने फेसबुक पोस्ट डाली थी आज से 2-3-4 दिन पहले, उस कहानी को छोटी सी बता देता हूं, 10 मिनट लगेगा मुश्किल से। कि चार बुढ़ियाएं थी, बूढ़ी महिलाएं, वो चार बुढ़िया मिल गई, दोस्त थी, लेकिन दोनों चारों में बहस हो गई कि चारों में कौन बड़ी है। एक कौन बड़ी है वो बहस करते करते थक गई, तो बाद में उन दोनों में, उन चारों में समझौता हुआ और कहा उन्होंने कि चलो हमारे पड़ोस में एक नई बहू आई है, उसी से पूछते हैं कि हम में से कौन बड़ी है। तो नई बहू के पास पहुंची, कहा बेटी तुम जो है अभी नई आई हो और हम में से कौन बड़ी है बताओ। तो नई बहू ने कहा पहले अपना अपना परिचय दीजिए। तो एक ने कहा कि मेरा नाम भूख है। बोले भूख है तो क्या है, 56 व्यंजन खाओ या बासी रोटी खाओ, भूख तो समाप्त हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। दूसरे ने कहा कि मैं प्यास हूं। बोले हाँ आपका भी विकल्प है, गंगा जल पियो या मधुर रस या सादा पानी, प्यास तो तालाब का गंदा पानी भी मजबूरी में बुझा देता है, इसलिए आपकी भी कोई समस्या नहीं है। तीसरे ने कहा मैं नींद हूं। हाँ ठीक है आपका भी विकल्प है, सुकोमल सेज हो या कंकड़ पत्थर का की सड़क, नींद वहां पर ही आ जाएगी। चौथी थी, उसने कहा मैं आस, आस माने आशा, होपफुलनेस। तो नई बहू ने कहा हाँ इनका कोई विकल्प नहीं है। तुरंत नई बहू ने उस चौथी के पैर छू लिए और कहा सबसे बड़ी आप ही, कोई विकल्प नहीं। अगर आशा है तो 100 वर्ष तक जीवित भी रह सकता है, और आशा टूट गई तो तुरंत जीवन समाप्त भी हो सकता है, और इसलिए आशा और विश्वास ही जीवन की शक्ति है। आज वायरस है तो यह समाप्त होगा ही होगा। हमारा तनाव हम ऐसे छोटे छोटे उपक्रमों से हम दूर कर सकते हैं। कुछ यौगिक हैं, कुछ यौगिक नहीं भी होंगे, लेकिन व्यवहारिक हैं, हम कर सकते हैं। और इसलिए ऐसा करते हुए अगर हर व्यक्ति ने इसका पालन किया तो ऐसी परिस्थिति में भी वह स्वस्थ रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है, सार्थक जीवन व्यतीत कर सकता है, जीवन का आनंद ले सकता है। इतने मुझे बोलना है। भारत माता की जय। अनिल जी धन्यवाद। डॉक्टर वाशनी जी बहुत ही सुंदर उद्बोधन, बहुत ही बढ़िया विचार आप हमें सुनने को मिले, तो सभी बातों में ज्यादा नहीं दोहराऊंगा। अब मैं सीधे चलता हूं अगर हमारे आज के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर जीडी शर्मा जी, उनका परिचय हमारे अपनी करवाया डॉक्टर हेमराज जी ने।
ना लिख नहीं बोलते हुए सीधे डॉक्टर जी डी शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया उद्बोधन लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हूँ। शर्मा जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितुर दुर्तानि पराशुभ यद्वत्तम तन्न आशुभ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपः करोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर जी आज के इस अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर राकेश पंडित जी जो कि CCIM के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश आरोग्य भारती के अध्यक्ष डॉक्टर चेतन चौहान जी, सचिव साहब और सह सचिव साहब तथा देश के विभिन्न और सुदूर इलाकों से जुड़े हुए विद्वत जन, मैं सबसे पहले डॉक्टर राकेश पंडित और हमारे जो शिमला के बहुत जाने माने समाज सेवी हैं डॉक्टर नरेश शर्मा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ अपने अनुभव आपके साथ बांटने का आज सुनहरा अवसर दिया। मुझे 30 मिनट का समय दिया गया है और मैं उस 30 मिनट को शिरोधार्य करता हुआ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी ने सारी भूमिका इस महामारी के बारे में बता दी है, किस प्रकार का वातावरण हमें भारत तथा अन्य देशों में देखने को मिल रहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि कहीं पर हम प्रयासचित की स्थिति में जरूर पहुंच कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो व्यक्ति लॉकडाउन में घर में रह करके आनंद की स्थिति को प्राप्त कर ला रहा है, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो हम प्रचार और प्रसार माध्यमों के द्वारा जो सामने बातें आ रही हैं उसे कहीं ना कहीं मन आहत भी हो रहा है कि घरेलू हिंसा भी पड़ रही है, उसके कुछ केसेस भी हम हमारे समक्ष केसेस ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज हमें बहुत समय मिला है, चाहे वो बच्चा था, बालक था, विद्यार्थी था, गृहिणी थी, कामकाजी पुरुष थे या महिलाएं थी, या फैक्ट्री में कार्य करने वाले लोग थे या अपने दूसरे कार्यालयों में काम करने वाले लोग थे, वो कहते थे हमारे पास समय नहीं। अब ईश्वर ने हमें समय की उपलब्धता करवाई हुई। अब आज का जो विषय है वो ये है कि इस पैनडेमिक में ये जो तनाव और अवसाद है इस स्थिति को कैसे दूर किया जाए योग के माध्यम से। लेकिन मैं आप सबके समक्ष, आप विद्वत जन हैं, आप ज्यादातर चिकित्सक हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा विद्वान हैं,
मैं तो मात्र एक योग साधक हूँ, मैं योग परंपरा को फॉलो करने वाला एक वरिष्ठ छात्र हूँ। मैं आपके साथ जो बात अपना रखूंगा वो मेरे अपने अनुभव के ऊपर और मेरे छोटे छोटे जो शोध हैं उनके ऊपर आधारित रहेंगी, मात्र किताबों के ज्ञान से नहीं। हमें थोड़ा सा योग करने के लिए पहले पीछे जाना पड़ेगा, हमारी भारतीय जो सभ्यता है, हमारी जो भारतीय आचार संहिता है उसके ऊपर, क्योंकि हमारी जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, जब तक उसका हमें ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम उससे जुड़ेंगे नहीं, तो योग करने से मुझे लगता है कि उतना फायदा उतना लाभ हमें मिल नहीं पाएगा। हमें उन परंपराओं को देखना होगा, क्योंकि हम उन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं और कई जो आज की जनरेशन है, जो आज की युवा हैं, या आजकल के जो अब्रॉड, आजकल के जो किशोर अवस्था के लोग हैं, वो लगभग सारे के सारे हमारी परंपराओं को भूल चुके हुए। इसलिए जो हमारा द वे ऑफ लाइफ जो हमारा था ऑफ ओरिएंटल इंडिया, हमें उस वे ऑफ लाइफ को देखना होगा और द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है विच इज डोमिनेटेड बाय द मटेरियलिस्टिक वेल्थ, इसके ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा, तभी जाकर के तनाव हमारा समाप्त हो सकता है। क्योंकि आज का जीवन हमारा तीन चीजों से डोमिनेटेड है, वन इज कंपटीशन, सेकंड इज चैलेंज एंड थर्ड वन इज कंप्यूटर। हर कोई इस कंप्यूटर के माध्यम से चैलेंज को एक्सेप्ट करता हुआ कॉम्पिटिटिवनेस वर्ल्ड के अंदर जो है वो उसमें खोया हुआ है, जिसके कई लाभ भी हो सकते हैं, लेकिन उसके जो शरीर के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, जिनकी की गिनती नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो बायोमैकेनिज्म ऑफ द बॉडी है वो स्थूल शरीर से संचालित नहीं है, अपितु हमारे जितने छोटे छोटे जो अंदर शरीर की संरचना है, एक सेल से लेकर के, एक टिश्यू से लेकर के, एक वीन से लेकर के, वेसल से लेकर के, या हमारे नाड़ी संस्थान नर्वस सिस्टम से लेके, अस्थि संस्थान से लेकर, और हमारा जो मांस है, हमारी जो त्वचा है, ये सारे के सारे अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मन को जो है वो शांत रखने के लिए हमें उस परंपरा को देखना हो, जिस प्रकार से कि हमारा ग्रंथ कहते हैं कि ये शाम न विद्या न पतुर न तपो न दानम न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्। अर्थात ये शाम विद्या न तपो न दानम, मैं एक एक बात को बड़ा ही सारांश रूप से लेते हुए योग के साथ उसको जोड़ते हुए आगे पढ़ता। जिसके पास विद्या नहीं है, विद्या क्या है, जिस प्रकार से विद्या ददाति विनय, जिसके पास जो है वो विनय नहीं है, वो चाहे कितना ही विद्वान क्यों ना हो जाए, वो कितना भी योग अभ्यासी क्यों ना हो जाए, वो क्या तनाव से मुक्त हो सकता है? और ये विद्या क्या है, ये विद्या है द लाइफ स्टाइल, जीने की क्षमता किस प्रकार की हमारे से हो सकती है। क्योंकि हमारा ग्रंथ ये भी कहता है कि हमारे जो ये जो जो ज्ञान है ये बहुत ही जो है वो गूढ़ है, और ये जो ज्ञान है ये इतना गूढ़ है कि इसको समझने के लिए हमें हम ये समझते हैं कि हमें गुफाओं में जाना पड़ेगा। तो हमें गुफाओं में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ये कहा गया है कि हमें उसके लिए महाजनो येन गता सपन था, क्योंकि हम सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, हम सारे योग अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन जिस मार्ग के ऊपर हमारे ये जो नोबल पर्सन थे, ये महात्मा पुरुष थे, जो संत थे, जिन्होंने एकांतवास में रह करके, आइसोलेशन में रह करके, डिस्टेंस वर्ल्ड में रह करके, डिस्टेंस मेंटेन करके जब ज्ञान की प्राप्ति की, और उस ज्ञान के द्वारा जिस प्रकार से उन्होंने उसको अपने जीवन शैली के अंदर अपनाया,
अपनी वैचारिक शैली में अपनाया, अपनी व्यावहारिक शैली में अपनाया, हमें उसके ऊपर चलना होगा, तभी जाकर के हम अपने आप को जो है वो विद्या ददाति विनयम की बात के ऊपर आ सकते हैं। और ये विद्या जो है ये व्यवहार है, वर्चुअली व्यवहार, जिस प्रकार से अभी दास साहब ने एक एक करके जो था वो यम की बात। तो ये जो यम के जो पहले तीन एक उपांग हैं, जिनको कि हम अहिंसा सत्य अस्तेय कहते हैं, इनकी आज बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज हिंसा भी हो रही है, आज असत्य भी बोला जा रहा है, आज चोरी भी की जा रही है, आज संग्रहण भी किया जा रहा है, परिग्रह की स्थिति भी आ गई है। इस महामारी में जब हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए। कई लोग अपने इस तरह के धंधों में लगे हुए हैं जो कि मानवता की भलाई के विरुद्ध है। विद्या ददाति विनयम, अर्थात ये विद्या ही हमें विनय देती है, यही हमें सीखने का मार्ग दिखलाती है। और जब इस प्रकार का भाव हमारे अंदर पैदा होता है, तो चाहे हम यम करें या नियम करें, आसन करें, तभी उसका फायदा होगा, अदरवाइज उसका फायदा नहीं हो सकता है। ये शाम न विद्या न तपो न दान, तप नहीं, जिसके पास तप नहीं है, ये जो सात आठ चीजें कही गई हैं, इनमें से एक की भी हमको प्राप्ति हो गई, एक को भी हमने अपने जीवन में उतार लिया, तो योग हमारे जीवन में अपने आप उतरा आएगा और हम अपने आप ही जो है वो तनाव से और अवसाद से मुक्त हो जाएंगे। तनाव जो पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, वो अच्छा है, लेकिन जो तनाव नकारात्मक होता है, वो मन और शरीर के साथ साथ में इंद्रियों को भी अव्यवस्थित कर देता है। इसलिए लेकिन जो अवसाद है, जो जो हम डिप्रेशन है, वो वाली स्थिति हमारे शरीर के अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तनाव जब तक सकारात्मक रहता है, बॉडी हमारी जो है वो कार्य करती है सकारात्मक में। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, क्योंकि उद्यम उद्योग, जिसको योग को उद्योग भी कहा गया है, योग को उद्यम भी कहा गया है, तो जो व्यक्ति परिश्रम करता है, जो श्रम करता है, उससे ही कार्य की सिद्धि होती है, न जो मनोरथ ही मात्र इच्छा करने से नहीं, मात्र विचार करने से नहीं, मात्र मनोरथ से नहीं, मन के परिकल्पना से नहीं होती है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में उसका शिकार हिरण इत्यादि जो है वो स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। सफलता हमें बैठ करके नहीं आएगी और सकारात्मक सोच के साथ आएगी, लेकिन बायो मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, तनाव जो है, हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं या स्ट्रेस सेल्स हैं, या जो हमारे कम्युनिकेटर्स इन द ब्रेन है, हमारे जो रिसेप्टर्स इन द ब्रेन है, जब कम्युनिकेटर्स और रिसेप्टर्स जो है उनका आपस में तालमेल बिगड़ जाता है, तो हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका भी तालमेल जो है वो आपस में बिगड़ जाता है, जिसके कारण कि एक हमारे अंदर जो है एक निष्क्रियता की अवस्था आ जाती है। और जब निष्क्रियता की अवस्था आ जाती है, तो उसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। इसलिए द स्ट्रेस इन द पॉजिटिव सेंस इज ऑलवेज वेरी वेरी हेल्पफुल टू ग्रो द मेंटल और द साइकोसोमेटिक हेल्थ। तो इस प्रकार से हमें जो है येषां न विद्या न तपो न, तो हमें तप करना है। अब ये जितना भी योग है हमारा, शुरू से लेकर के अंतिम जो सातवां जो अष्टांगिक योग में आता है, ध्यान तक जो बात आती है, ये सारी कर्म योग के अंदर आती है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता के तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगीनाम। और महर्षि पतंजलि तप स्वाध्याय प्रणिधानानि क्रिया योग की बात कहते हैं, जो 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 ये तप है, ये हमारे जो है ये जो पहले सात अंग हैं उसमें आते हैं। और ये डिप्रेशन की स्थिति हो, चाहे हमारी स्ट्रेस की स्थिति हो, ये कोई बीमारियां नहीं है, ये मन की स्थितियां हैं।
जिस प्रकार से व्यक्ति सोचता है उसी प्रकार से वो कार्य करने लग पड़ता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस लोक के अंदर दो प्रकार की ही विद्याएं हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं, हम अपने आप को स्वच्छंद रख सकते हैं, हम अपने आप के स्वाभिमान को जागृत कर सकते हैं, हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और हम अपने आप को समाज सेवी बना सकते हैं, हम अपने आप को सहयोगी बना सकते हैं दूसरों के लिए। तो ये इस लोक में एक सांख्य योग के माध्यम से जहां पर तर्क और वितर्क होता है क्या अच्छा है, समय के अनुसार, कालखंड के अनुसार, जीव के अनुसार, जाति के अनुसार। जाति का मेरा कहने का मतलब ये नहीं है जो जातियां आजकल हमारे समाज में पनप करके पनप गई हैं और हमारे पूरे सामाजिक व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करके रख दिया गया हुआ है। हमारा जो है एक राष्ट्र की जो एक हमारी जो अस्मिता है उसको दाव के ऊपर लगा करके, एकता और अखंडता को एक प्रश्न चिन्ह के ऊपर लगा करके रख दिया है। मैं उस जाति की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं उन जातियों की बात कर रहा हूँ जो त्रयक योनि प्रधान जाति है जिसमें पशु पक्षी आते हैं, जिसमें जो है वो जल जीव आते हैं और जिसमें कि जितने भी हम लोग हैं इस पृथ्वी लोक के ऊपर जो कि इसमें किसी भी फिजिकल फॉर्म में है, चाहे कीड़े मकोड़े हैं, चाहे हम मानव हैं, कोई भी हैं, हम त्रयक योनि प्रधान हमारी तीन ही जातियां हैं इस मृत्यु लोक के अंदर, चौथी जाति हमारी कोई नहीं है। हाँ, मानव जाति को वर्ण व्यवस्था में रखा गया था, वो व्यवस्था अच्छी थी, मैंने अंतरराष्ट्रीय स्टेज के ऊपर जाकर के वोकल हो करके ये कहा था। मनु जो है उन्होंने एक ओपन एक कॉल किया था सबको, सारी दुनिया के मानवों को कि आओ और तुम्हें ये करना है, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम ये बनोगे, तुम पुरुषार्थी बनोगे ये बनोगे, तुम अगर अपना बाहुबल दिखाओगे तो ये बनोगे, तुम्हें अरे अंदर सेवा भाव होगा तो ये बनोगे, तुम लोगों को जरूरी चीजें आवश्यक पहुंचाने की कोशिश करोगे तो तुम ये बनोगे। उन्होंने किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई बल्कि उन्होंने ओपन चैलेंज किया, कई बार किया, आओ और मेरे इस विचार के साथ चलो, जो चले वो वैसे वैसे जो है वो आगे बनते गए। तो तप जो है, तप वो हमको करना होगा, तो इसलिए तब के लिए सबसे पहले अभिवादन शीलस्य नित्यं विद्योपसेविना, ये भी मनु महाराज जी ने कहा है, सुबह उठ करके हमें अगर अपने मन को शांत रखना है हमें जो है भक्ति योग करना पड़ेगा, हमें मंत्र योग करना पड़ेगा, क्योंकि योग बहु आयामी है और बहु आयामी होने के साथ साथ में जो महर्षि पतंजलि अनुशासन की बात करते हैं यही तो अनुशासन है। हमने कैसे उठना है, किस प्रकार से उठना है, उठने के बाद हमारा पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए, बुजुर्गों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, हमारी जो उम्र के बराबर है उनके साथ क्या व्यवहार, ये सारी योग की प्रक्रिया है। ये योग के लिए एक तरह से हमको तैयार करते हैं, क्योंकि योग तो तब शुरू होगा जब हमारे मिलन की स्थिति आएगी, जिस प्रकार से वहां पर भी हमारे आयुर्वेद में तो कहा गया समदोषा समग्निश्चय समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिया मना स्वस्थ इत्यावधीय थे। आत्मा की बात करते हैं, इंद्रियों को जोड़ने की बात करते हैं, वहां पर सारे के सारे हमारे दोषों को संतुलन में लाने की बात करते हैं, अग्नियों को संतुलन में लाने की बात करते हैं, मल की क्रियाओं में संतुलन लाने की बात करते हैं। तो ये सारा, मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारे मानवता की तीन धाराएं हैं, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा। इन तीनों के बिना जो है वो जो एक विधा है वो अधूरी है। अगर योग कोई जानता है लेकिन आयुर्वेद नहीं जानता है या प्राकृतिक संसाधनों द्वारा की जाने वाली चिकित्सा नहीं जानता है तो अधूरा है। एक प्राकृतिक चिकित्सक है अगर वो योग नहीं जानता है, आयुर्वेद के जो मूलभूत जो उसकी जानकारी नहीं है तो वो भी अधूरा है। इसी प्रकार से आयुर्वेद आचार्य जो है वो भी अगर योग नहीं जानता है, अगर वो ये नहीं जानता है प्राकृतिक चिकित्सा के संसाधनों को नहीं जानता तो वो भी अधूरा है। दीज आर द थ्री सिस्टर बॉडीज एंड दे गो टूगेदर, हम उनको अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये शाम न विद्या न तपो न दानम, दान की अपनी ही दान से जो हमारे मानसिक एक स्थिति बनती है। दान क्या है, दान का मतलब है सहायता,
सहायता किस प्रकार से, स्वैच्छिक सहायता, कंपल्शन की सहायता नहीं, जरूरतमंद की सहायता, जो आज सारी की सारी हमारी एजेंसी कह रही है कि सबकी सहायता करो, ये डिस्टेंसिंग की बात है या हमारे जो दूसरा बार बार जो स्टेरिलाइजेशन या अपना सैनिटाइजेशन की बात है, ये हमारे ग्रंथों में पहले ही लिखा है। हमारे जो षट कर्म है, व्हाट आर दोस, दे आर जस्ट लाइक सलाइन वाटर थेरेपी एंड दे आल्सो बिहेव लाइक जो एंटी टाइटनेस, जो हम टीका लगाते हैं किसी इंजरी से उस टाइटनेस से बचने के लिए। तो हमारे जो ये षटकर्म की जितनी क्रियाएं हैं, जो कि हम कपड़े से, जल से, नमक से, पानी से, इन चीजों के द्वारा करते हैं, तो दैट प्रोवाइड्स टू अस द एंटी टाइटनेस थेरेपी आल्सो। क्योंकि जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हम बोलते हैं, हम गाते हैं, हम खेलते हैं, हम दौड़ते हैं, हम रोते हैं, हम बोलते हैं, हम व्याख्यान देते हैं, छोटा मोटा कैटाबॉलिज्म अंदर ज्यादा पड़ जाता है, इतने छोटे छोटे घाव अंदर पड़ जाते हैं, उनका हमें अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब रौद्र रूप ग्रहण कर लेते हैं तब जाकर के हमको उसका होता है। तो इसलिए अभिवादनशीलस्य सबसे पहले सुबह उठ करके जो बड़े बूढ़े हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका अभिवादन होना चाहिए और नम्रता पूर्वक होना चाहिए, बच्चों से प्यार होना चाहिए, और जो हमारे हमारी उम्र के हैं उनके साथ भी हमारा व्यवहार जो वो स्नेही होना चाहिए। और प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातु पितु गुरु नाव ही माता, ये सारी की सारी चीजें हमारे जितने ऋषि मुनि है, ये सारी चीजें बहुत पहले कह दी गई। ये वायरस आज का नहीं है, 1918 में भी स्पेनिश फ्लू आया था, 1970 में भी कोई यहाँ पर एपिडेमिक आया था, ये तो चलता रहेगा। गर्भ में कितने एपिडेमिक पड़े हैं किसी को पता नहीं। आज हमें तैयार होना पड़ेगा, आज हमें सजग होना पड़ेगा, खुद ये काम करना पड़ेगा और अपनी जनरेशन जो हम घर में सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं उनके समक्ष बैठ करके एक्सचेंज करना होगा। तो आगे जो आने वाले गर्भ में जो ये इस तरह के वायरस एक्सपोज होंगे उनसे किस प्रकार से हम प्रिवेंट कर पाएंगे, उसके लिए हमारी ये जनरेशन जो है वो एक ट्रेडिशन से आगे बढ़ती जाएंगी। तो दान भी हमको करना है। ये शाम न विज्ञान तपो न दानम ज्ञानन न शीलन न गुणों न धर्मा, जिसके अंदर ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान, ज्ञान का मतलब कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ये नहीं है कि अगर हमको योग की ये ज्ञान नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में योग ज्यादा फलित होता है और हम कहेंगे जब हमें टाइम मिलेगा तब करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें प्रकृति अपनी जितनी संपदाएं हैं, अपनी जितनी जो केमिकल पावर्स हैं, हमारी जितनी भी स्वस्थ देने की जो शक्तियां हैं वो सारी बिखेर करके रखी हुई होती हैं। जो जितना ग्रहण करना चाहे ग्रहण कर सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कौन कितने बजे होता है, तो ज्ञान ये भी होना चाहिए व्हाट वी शुड डू एट द राइट टाइम। अब जैसे आसन को हम कहते हैं, अब आसन जब हम करेंगे उसमें स्थिरम सुखम आसनम की बात कही गई है। स्थिरता क्या है, मन की स्थिरता, विचार की स्थिरता, व्यवहार की स्थिरता, अभ्यास की स्थिरता, और सुख किस तरह का, मानसिक सुख और हमारा शारीरिक सुख, हमारा जो आसपास का वातावरण है उसमें हम सुख की अनुभूति कैसे ग्रहण कर सकते हैं, ये सारे का सारा। और किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ आसन, ये नहीं है कि आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिए, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कैसे किए आसन प्राणायाम करने के लिए नहीं करने हैं, आसन प्राणायाम हम करने के बाद कैसे दिखते हैं उसके लिए करने, तब जाकर के हमारा स्ट्रेस, तब जाकर के हमारा डिप्रेशन जो है वो दूर होगा। और ध्यान के लिए बात कही जाती है, शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम भित्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचना, क्योंकि ध्यान योग के द्वारा जब हम अपने में स्थित हो जाते हैं, अपने में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो उसके पश्चात हम अपने आप को समझने लगते हैं, हमें आंतरिक दर्शन होने लगता है। हम जो इन्होंने मौन की बात भी कही, मौन के द्वारा भी हम जो हैं वो ध्यान तक आगे बढ़ते हैं। यदि शैल समम पापम, कहते हैं इतने ज्यादा हमने पाप कर लिए हैं, पाप का मतलब ये नहीं किसी का हत्या कर ली, किसी को मारा, किसी को डराया, हमने अपने प्रति कितने पाप इकट्ठे कर लिए, कितना हमने वो खाना खा लिया जो नहीं खाना चाहिए था, कितने वो कर्म कर लिए जो नहीं करने, वो हमें पाप की तरह ही हमें जो है वो सारे के सारे जो हैं वो कष्ट देने वाले होते हैं। विस्तीर्णम बहुत योजनम
अगर हम उनको बहुत ज्यादा फैला दें तो वो कई योजनों तक आगे बढ़ जाते हैं। अगर उनको समाप्त करना है, उनके ऊपर अंकुश लगाना है, ध्यान योग, ध्यान योग के द्वारा ही हम उनका भेदन कर सकते हैं, उनको नियंत्रित करना कर सकते हैं। नान्यो भेदा कदाचना, लेकिन दूसरे से नहीं। पूर्व जन्म कृतम पापम है ना, व्याधि रूपेण बाधते, ये आयुर्वेद में चरक जी ने कहा है कि पूर्व जन्म कृतम पापम, पूर्व जन्म में किए हुए जो पाप है। पूर्व जन्म का मतलब ये नहीं कि जो पहले पिछले जन्म हमारे हो चुके हैं, इस जन्म में भी जो अभी तक छीन लिया है हमने अपने जीवन को, लेकिन अपने जीवन के इस पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते आज तक जो हमने जो कुछ गलत आदतें सीख ली थी वो भी पूर्व जन्म में भी आती हैं। तो पूर्व जन्म है तो वही हमें जो है जो गलत आदतें वो आज हमें कष्ट दे रही है। जो आज हम गलत करेंगे वो कल हमको कष्ट देंगी, और इसी प्रकार से आगे फिर पूर्व जन्म की जो आगे फिलोसफी चलती है वो उसके साथ भी आगे आगे अगले जन्मों में भी हमें उनका भुगतान एनकैशमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रेडिट है उसका तो हमें कहीं ना कहीं डेबिट करना ही पड़ेगा, वो निकालना ही पड़ेगा, उसका भोग हमको जो है वो करना ही पड़ेगा। तो उसके तस्मात शांत ही वो तो आगे कहते हैं चरक कि इसकी शांति के लिए, उसका निवारण करने के लिए जो पूर्व जन्म का पाप की है, औषधि के द्वारा हम कर सकते हैं, शांति प्राप्त करते कर सकते हैं। जप होम सुरार्थ नहीं, और जप के द्वारा कर सकते हैं, यज्ञ के द्वारा कर सकते हो, होम के द्वारा कर सकते हैं, और ईश्वर का सो है। ये जो आसन है, ये आसन करने से ही, आसीन संभवात, आसन करने से हम अपने अंदर छिपी हुई पूरी की पूरी जितनी भी हमारी संभावनाएं हैं उनको जागृत कर सकते हैं, क्योंकि द माइंड मेक्स द मास्टर एंड माइंड मेक्स द मैड। अगर हम स्थिरता की अवस्था उस आसन को करते हुए ग्रहण कर सकते हैं तो हम महात्मा बन जाते हैं। लेकिन आसन यहाँ कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कुछ बाइंडिंग में कर रहे हैं, कंपल्शन में कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा हमको नहीं होगा, और सुख की अनुभूति हमको जो है वो उसमें होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो हमको आगे पढ़ना होगा, और आगे चल करके वो कहते हैं तपो न दानन ज्ञानन न शीलम न गुणों न धर्मना। और जो जैसी स्थिति हमारे समक्ष आई है, जैसे हम प्राणायाम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, शालीनता पूर्वक करो ना। कहा अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमारा अनुलोम है, विलोम है, उसके लिए उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस भी दिए, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है वही आप करें, क्योंकि जो शरीर के अनुरूप हो वही क्रिया हमको करनी है। शरीर के विरुद्ध जाकर के जिस प्रकार से विरुद्ध आहार होता है वो हमको नहीं करना होता है, उसी प्रकार से जो विरुद्ध हमारे शरीर की प्रकृति के जो प्रतिकूल जो क्रियाएं हैं वो हमको उसमें नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अनुलोम है, विलोम है। हमारे आयुर्वेद के अंदर भी ये कहा गया है कि बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो अंतयतो अन्यतः, अर्थात हमारे शरीर के अंदर जितनी भी शक्ति है उसके आधी शक्ति ही हमको व्यायाम करना है, लेकिन बहुत ज्यादा व्यायाम करने से हमारे नुकसान, अंतयतो अन्यथा हमें नुकसान जो है वो हो सकता है। और महर्षि जो हमारे स्वामी स्वात्माराम है, उन्होंने भी हठपद दीपिका में लिखा है उत्साह सा सा धैर्य तत्व ज्ञान निश्चयात, है ना। तो हमें उत्साह के साथ, साहस के साथ, ज्ञान के साथ और निश्चय पूर्वक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ अगर हम योग को करेंगे, लोक संग परित्याग, और बहुत ज्यादा लोगों के बीच में नहीं रहना है, ये आ गई हमारी सोशल डिस्टेंसिंग, लोक संग संग परित्याग शटर वियोग प्रसिद्धि, ये छह प्रकार की चीजें जो हैं वो हमको जो है योग में जो है वो सिद्धि प्रदान करती हैं। तपो न दानन ज्ञानन न शीलन न गुणों न धर्मा, और ये जो हमारे अंदर तीन गुण हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, इनकी चर्चा अगर हम योग आसनों को करते हुए मन से, मन के द्वारा नहीं करेंगे, तब भी हमारा डिप्रेशन और हमारी जो स्ट्रेस है वो दूर नहीं होगी,
जो कोई हमें हमारे जीवन को गर्त में डालने वाली होती है। ये तपोनद ज्ञानन नशीला न होते मरते, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा ऐसे जो लोग हैं जो इनसे दूर रहते हैं वो तो पशुओं की तरह ही यहाँ पर है, और हमारे जितनी भी संगीत कला वही साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना हमारी ललित कलाएं हैं। डॉक्टर साहब ने भी कहा जो गायन का शौक रखता है वो गायन इस समय में करे, जो योग का शौक रखता है वो योग करे, जो आसन का शौक रखता है वो आसन करे, जो लेखन लिखने का शौक रखता है वो लिखने का करे, कहानियां सुनाए घरों में बच्चों के साथ बैठ करके, योग करो, अच्छी अच्छी बातें हमको करनी, क्योंकि ये टाइम हमें बड़ी मुश्किल से हमको मिला है। वी कैन यूज इट, और कुछ नहीं करना। देखो स्ट्रेस, और अगर हमने अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को नॉर्मल रखना है, मैं आपको एक छोटी सी क्रिया बताता हूँ। ये छोटी सी प्रक्रिया क्या है कि एक होता है श्वास सर्प श्वसन प्रणाली व्यायाम, जिस प्रकार से सांस सांप लेता है उसी प्रकार से हमने सांस लेना है, क्योंकि म्यूकस इज ए प्रिवेंटिव मेथोडोलॉजी फॉर रेस्पिरेशन। लेकिन म्यूकस जब एकमुलेट बॉडी के अंदर होने लगता है तो हमें कफ की प्रवृत्ति बनने लगती है, और आज क्या हो रहा है इस एपिडेमिक में कफ की प्रवृत्ति जिसकी ज्यादा बन रही है, क्योंकि आज हम ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल की बात कर रहे हैं कि जिसका 92 के नीचे आ गया वो दमे का शिकार हो जाएगा, अर्थात कफ एकमुलेशन हो जाएगा। उसके मैंने एक आयुर्वेद के ग्रंथ में पढ़ा है कि हमारे जो फेफड़े हैं उसके अंदर 630,000 जो हैं वो छिद्र हैं, और से हैं, और उसमें से सिर्फ 200,000 एक्टिव रहते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, और अगर इससे कम होने लगते हैं तो कब संबंधी विकार जो है उनको होने लगते हैं। तो वो हमारे जितना रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कफ पॉकेट्स जो हैं वो ज्यादा हमें परेशान ना करें, और जैसे ही वो परेशान करने लगेंगी हमें स्ट्रेस भी आ जाता है, पूरे का पूरा बॉडी में मैकेनिक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिप्रेशन में भी हम जा सकते हैं। तो ये जो सर्व श्वसन प्रणाली व्यायाम है इसको हमें रोज करना है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे किशोर हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो गर्भवती हो, चाहे वो पीरियड्स में हो, या किसी का जो है वो हार्ट सर्जरी हुई हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, ये सारे के सारे लोग इसको कर सकते हैं। इसको करना क्या है कि हमने अपनी जीवा को जो है वो मोड़ा और तालू के साथ ऊपर सॉफ्ट पैलेट के साथ इस प्रकार से लगाया, और लंबे गहरे श्वास हमको लेने हैं। गले से आवाज आएगी, ये जो हवा है ये जो हमारी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जिसका कि ज्यादातर जो है वो हम नासिकाओं के बजाय मुंह से ले रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने, हम जो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ईश्वर ने तो हमें ये दो नासिकाओं के रूप में ऑक्सीजन के सिलेंडर दे रखे हुए हैं, और हम बाहर क्यों ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन हमें विधियां नहीं मालूम है। ये दो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं हमारे, इनसे हम जितना गहरे श्वास लेंगे, जितना गहरे श्वास बाहर की तरफ को छोड़ेंगे लंबे, उतना ही हमारा ये ऑक्सीडाइज्ड जो बॉडी है वो ज्यादा कार्यरत रहेगी। तो इसलिए इस क्रिया को करने से हमारे फेफड़ों में, हमारे जो ब्रोंकाइटिस हैं, हमारे लैरिंक्स हैं, हमारे फैरिंक्स हैं, हमारी ट्रैका है, हमारे सेप्टम बोन है, सेप्टम नर्व है, सेप्टम मसल्स हैं, सेप्टम साइनस मसल्स हैं, ये सारे के सारे इनके अंदर गर्माहट पैदा होगी, और गर्माहट होने के बाद में हमारा अंदर कफ एक्युमुलेशन नहीं हो सकता है, और इस एपिडेमिक में वही व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो रहा है जिसके अंदर कफ का एक्युमुलेशन हो रहा है, क्योंकि औषधि कोई बन पा नहीं रही है, सोशल डिस्टेंस जो है वो मीडिया के ऊपर हर प्रकार की चीजें आ रही हैं, जो आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं, कुछ जो है वो अपने जो है वो टोटके बता रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि योग करो और निरोग रहो। और एक बात अंत में मैं इतना, क्योंकि विषय तो बहुत लंबा है, लेकिन आसन और प्राणायाम ये दो ऐसी विधाएं हैं जिनके करने से हम जो हैं वो अपने आप को सुव्यवस्थित रख सकते हैं, रोग से दूर रख सकते हैं,
लेकिन करना होगा संकल्प शक्ति के साथ, निश्चय के साथ, टाइम निकाल करके, अनुभव सहितम, विज्ञान सहितम, यत ज्ञात्वा, वो ही हमारा जो है वो योग है। अर्थात विज्ञान सहित, विज्ञान अनुभव के साथ, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, क्या 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 चेंजेस हो रही हैं, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ मैं अपने को कंफर्ट महसूस कर रहा हूँ, कहाँ मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, कहाँ मुझे इजीनेस आ रही है, तो ये विज्ञान का मतलब यही है। और अनुभव जो है उसके बाद मैं कैसा अपने आप को अनुभव मुझे हो रहा है इस शरीर का, मानसिक रूप से या शारीरिक। अंत में एक बात जो है वो मैं आपको कहना चाहूंगा जरूर। कहते हैं ना कि यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में। ये प्राण वायु क्या है, यही ऑक्सीजन है। और ये प्राण वायु जो है ये नॉर्मल वायु नहीं। हो सकता है मैं 10 मिनट ज्यादा हो जाए, लेकिन मैं अब इसके बाद समाप्त कर दूंगा। ये हम जो ये ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, व्हाट इज दिस ऊर्जा, व्हाट इज दिस एनर्जी, ये जो प्राण वायु है ये अपने साथ, ये जो वायु है ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज को लेकर के हमारे साथ पहुंचती है। सबसे पहले तो ये बहुत लंबी यात्रा करके आती है, और लंबी यात्रा करने के पश्चात इसको हम ग्रहण करते हैं। जब ये अंदर जा चली जाती है तो ये प्राण वायु अर्थात की एनर्जाइज बॉडी को करती है। अब ये इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है एटम्स होते हैं, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसमें मैग्नेट्स होते हैं, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें जो है वो रॉक साल्ट्स होते हैं, इसमें जो है वो मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। क्योंकि जब ये बहुत ऊंचे पहाड़ों से टकराती हुई आती है, विच इज फ्री फ्रॉम वेजिटेशन, लोहे की तरह वो पहाड़ है, उनसे जब टकराती है तो लोहे से जैसे चोट मारी जाती है तो वैसी आवाज आती है, थपेड़े मारती हुई, उससे ये अब्सॉर्ब करती है अपने के अंदर रॉक साल्ट को। फिर उसके बाद जो वो जो हमारे भी बहुत संजीवनी इत्यादि जो जड़ी बूटियां, संधानी वगैरह जो जड़ी बूटियां हैं, वो सारी की सारी जो कि दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, जो कि दुर्लभ क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो कि रात्रि के समय जो है वो अपनी मेडिसिनल वैल्यूज को जो है वो रेस्पिरेट करती है, बाहर की तरफ फेंकती है, वायु उनको भी ग्रहण कर लेती है, और उनको ग्रहण करने के बाद सारे जितना भी लाइफ ऑन दिस प्लेनेट है उसके पास पहुंचती है, वो अपने अपने तरीके से उसको ग्रहण करते हैं। और जो बात ये ऋषियों ने कही, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारे शरीर के अंदर भी है, ये विद्युत भी हमारे अंदर है, ये जो मैग्नेट्स हैं वो भी हमारे अंदर हैं, एटम्स भी हमारे अंदर हैं, प्रोटॉन्स भी हमारे अंदर हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे अंदर हैं, ये सलाइबा में भी मौजूद हैं, ये म्यूकस में भी मौजूद है, ये हमारी ध्वनि तरंगों के अंदर भी मौजूद है। जब ये बाहर वाले और अंदर वाले आपस में मिलते हैं और मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उसके बाद हमको पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है, सुख और शांति का आनंद प्राप्त होता है। ये वायु जो है ये खुद भी चलती है, हमको भी चलाती है, संकरा संचालनम के ऊपर ये चलती है, क्योंकि ये खुद भी दौड़ती है हमको दौड़ाती है। जब ये वायु अंदर प्रवेश कर जाती है, जब हम आसनों के अंदर, प्राणायाम के अंदर, प्रत्याहार के इंद्रियों को नियंत्रित करके बाहरी आकर्षणों से अपने आप को जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है ये अंदर जाकर के धावनम ये दौड़ती है, ये भ्रमणम ये भ्रमण भी करती है, ये प्रसारणम ये एक्सपैंड ये क्या है कि अंदर जाकर जो है धावनम अकुंचनम अकुंचनम स्क्वीज भी ये करती है, और निरोधनम भी ये करती है, रुक भी ये करती है के रूप में, और शब्दों के साथ बस मैंने यही अंतिम बात करनी थी, समय मैंने ज्यादा ले लिया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया, लेकिन योग निश्चित रूप से करना है,
और करने के बाद हम कैसे दिखते हैं, ये बात जरूर अपने दिमाग में रखें, तभी हम और ये टेंशन जो है, चिंता जो हमें सता रही है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद प्रोफेसर गिरी शर्मा जी, आप बहुत सारे स्थानों पर अपना सेवाएं दी है, चेयरमैन जैसे कि डॉक्टर हिमलाल जी वाइस चेयरमैन रहे डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज यूनिवर्सिटी में, डिप्लोमेट रहे हैं जकार्ता में इंडोनेशिया में, बहुत सारे पीएचडी एमफिल स्कॉलर्स को आपने गाइड किया है। आपका ज्ञान बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और हमें उसमें से कुछ ज्ञान अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। अब आपने एक श्लोक जो येषां न विद्ये तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोका भूय भार भूता मनुष्य रूपेण निर्गच्छन्ति। बहुत ही बढ़िया आपने इसके सामंजस्य स्थापित किया, क्योंकि ये श्लोक हमें बीएमए से तब से याद है, मुझे आज भी ये श्लोक बहुत अच्छी तरह से याद है। पूछा नहीं है कि मनुष्य को इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये तो वो इंसान और एक पशु में कोई अंतर महसूस नहीं होता। आपके उद्बोधन के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। हमारा अगला जो उद्बोधन होने वाला है वो है हमारी एक्सपर्ट स्पीकर जो होंगे हैं आगे वाली, उनके बारे में आपसे थोड़ी सी डॉक्टर हेमराज जी ने आप उसके लिए आपको बहुत सुंदर उनका वर्णन किया है। तो डॉक्टर नेहा शर्मा है जो इंग्लैंड में कार्य करती है, वो डायरेक्टर है आरोग्यम की, पीएचडी की है, उन्हें 17 साल का एक्सपीरियंस है, एक अपनी संस्था कह सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर चलाती हैं और WHO में एडवाइजर और एक्सपर्ट रही हैं। हमें आज उनका उद्बोधन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं डॉक्टर नेहा शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ इस तरंग संगोष्ठी में, जो अपना उद्बोधन लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो। डॉक्टर नेहा शर्मा, आप अपने को अनम्यूट कीजिए और अपना उद्बोधन हमें प्रस्तुत करें। Thank you. Namaste. I hope all you can hear me. Yes, please continue. Thank you. Thank you. सभी का इंटरव्यू बहुत ही बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके. I'm sorry. I'm still trying to get used to so much of information everybody shared today, and it's been a great pleasure to be here and meet all of you in person. Thank you, Dr. Pandit, for inviting me and giving me this opportunity to hear and meet everybody in renowned yoga field in India. मैं Dr. नेहा शर्मा, National Health Services University UK के साथ as a research scientist काम करती हूँ। इंग्लैंड में 17 साल से हूँ, उससे पहले US और WHO को सर्व कर चुकी हूँ। भारत से हमेशा मेरा कोई ना कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट रहा और मैंने रखा, ताकि उसके टच में मैं सभी कुछ सीख सकूँ, वेदांता से लेके योग तक की सभी ट्रेनिंग एजुकेशन और गुरुकुल में हुई, अद्वैता से योग सभी मैंने वहीं सीखा और यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ। आरोग्य में एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव था जो पिछले ही साल शुरू किया गया इंग्लैंड में, उसका मेन पर्पस था योग, आयुर्वेद और इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन को नेशनल हेल्थ सर्विसेज UK के साथ जोड़ा जाए, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें हम योग के सहारे मदद कर सकते हैं वो लीगली इस देश में रहते हुए कर सके। आरोग्यम की फॉर्मेशन के तुरंत बाद पेंडेमिक ने हिट किया और वो एक टाइम था जब हमें बहुत ज्यादा कुछ इसमें काम करने की जरूरत नजर आई। इसी सब के साथ हमने योगा के सेपरेट प्रोग्राम्स शुरू किए, लेकिन इन सभी प्रोग्राम्स को कम्युनिटी बेस्ड में रखते हुए हम रिसर्च और साइंटिस्ट टीम को भी साथ ले आए, ताकि जिस दौरान हम ये काम कर रहे हैं उसी दौरान एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जा सके। इसी सारे कंपाइलेशन के ऊपर सभी ने अच्छा बात किया कि योग का ओरिजिन से लेकर हाउ इम्पैक्टफुल इट इज फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एवरीवन। पर इसी चीज को सेम इसी चीज को अगर हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में ट्रांसलेट करना हो रिसर्च के तरह से, तो उसे हमने ट्राई किया कि हम उसे यहाँ
सॉरी मुझे थोड़ा टाइम जल्दी जाना होगा. I'm so sorry. I must leave now. I cannot hold on any longer. I sincerely apologize. मुझे लगता है मैं जाना है ना तो next speaker को अप लाऊं. वो कहना किस meeting में जाना था वो. धन्यवाद डॉक्टर निहाल. उनको किसी अन्य मीटिंग में जाने के कारण शायद लेट हो रहे थे इसलिए उनको जाना पड़ा. अब मैं अपने अगले वक्ता इंजीनियर एक मिनट बाय बैठा हम आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ. इंजीनियर प्रवीण देशपांडे जी वो हमारे अगले वक्ता हैं इस कार्यक्रम के. इंजीनियर देशपांडे जी के बारे में डॉक्टर यमराज जी ने हमें जैसे कि ज्ञानवर्धन किया डायरेक्टर है योग नेचुरोपैथी सेंटर नासिक के. वो तो हालांकि सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन है, सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है उन्होंने, ग्रेजुएशन योगिक साइंस में किया है. तो उनका भी हमें उद्बोधन के अच्छे विचार सुनने को मिलेंगे. मैं आमंत्रित करता हूँ इंजीनियर प्रवीण देशपांडे जी को उपस्थित अपना उद्बोधन में शेयर करें. प्रवीण देशपांडे हरिओम. आरोग्य भारती के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय सचिव अशोक जी, इस कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर राकेश पंडित जी और सभी श्रोतागण, कार्यक्रम की शुरुआत समय पर हुई और मेरा ध्यान घड़ी की तरफ था और घड़ी में अभी 7:55 हुए हैं और राकेश जी ने मुझे टाइम टेबल भेजा था 7:50 को मेरा लेक्चर शुरू होने वाला था. जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा था और 7:50 होने के बाद मेरा स्ट्रेस एकदम जीरो हो गया कि मुझे लगा अभी मेरा लेक्चर होगा ही नहीं. विषय भी बड़ा सुंदर है आज का, स्ट्रेस और स्ट्रेस का कारण कोविड. सिर्फ स्ट्रेस नहीं डिप्रेशन. मैं सामान्य बात करने वाला हूं. मेरे पहले वाले सभी अभिव्यक्ताओं ने बड़ा सुंदर बड़ा गहन तरीके से विषय समझाया है. असल में आज परिस्थिति भयंकर है ये हम सब जानते हैं और इसके पीछे का कारण ये कोविड की महामारी है. और असल में ये कोविड एक वायरस है और ये वायरस शरीर के अंदर जाने के बाद विकृति निर्माण होती है. अर्थात जंतु के कारण वायरस के कारण विकृति निर्माण होती है और विषय हमारा ये है कि विकृति दूर करने का विषय नहीं है, कोविड का विषय नहीं है. हमारा विषय ये है कि कोविड के कारण जो स्ट्रेस निर्माण हो रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और उसके लिए योग कैसे उपयोगी हो सकता है. सबसे पहली बात तो यह है कि ये स्ट्रेस जो है ये कोविड के कारण नहीं, स्ट्रेस पहले से है. आज कारण कोविड है, पहले कुछ कारण अलग था और कुछ साल के बाद दूसरा कोई कारण होगा लेकिन स्ट्रेस वैसे ही रहने वाला है. यहां तक कि महाभारत के समय से स्ट्रेस चलते आ रहा है. महाभारत में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भी अर्जुन को सबसे पहले स्ट्रेस आया था. उसकी जो स्थिति थी वो तनाव की स्थिति थी, भाई मैं कैसे युद्ध करूंगा क्या होगा. और आज हमारी वही स्थिति है और हर कोई व्यक्ति
ये कोविड के कारण, इस वायरस के कारण डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और इसके पीछे का कारण तनाव है। लेकिन असल में व्हाट यू मीन बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस इज नथिंग बट रिएक्शन। ये क्या है, तनाव है क्या? ये तनाव कोई वायरस नहीं, कोई जंतु नहीं है। अगर वायरस होता, जंतु होता, तो उसके लिए वैक्सीनेशन मिलता, उसके लिए एंटीबायोटिक्स मिलते और हम उसको मार देते। लेकिन तनाव के लिए, वायरस के लिए कोई भी जंतु नहीं, कोई भी वैक्सीनेशन नहीं। कारण स्ट्रेस, ये जो तनाव है, ये हमारी दी गई हुई शरीर और मन की प्रतिक्रिया है। और प्रतिक्रिया किस लिए है? सामने घटी हुई घटना के ऊपर हमने जो भी रिएक्शन दिया है उसके कारण ये परिणाम है। अभी कितने सारे उदाहरण दूंगा मैं जिसके कारण स्ट्रेस होगा। उदाहरण के तौर पर मैं मेरा लेक्चर 20 मिनट के बजाय 30 मिनट के बाद भी चालू रखूंगा तो कुछ लोगों को स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, स्ट्रेस ना आए इसलिए मीटिंग चालू रहते समय खा लिया है। भाई जाने दो भाई, वो स्ट्रेस का छोड़ो, यही खा लेते। देखो, स्ट्रेस का कारण कुछ भी हो सकता है और स्ट्रेस जो है हमारी प्रतिक्रिया है। और ये रोज की दिनचर्या में हर एक प्रसंग में हम प्रतिक्रिया देते हैं। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, बिना स्ट्रेस के कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। आप यहाँ जो बैठे हैं, हर व्यक्ति के मन में एक प्रकार का स्ट्रेस है, इसीलिए वो जीवित है, इसीलिए वो कार्य कर रहा है। और एक उदाहरण बताता हूं, कुछ लोग ये मीटिंग छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन अशोक जी सामने बैठे हैं, कैसे छोड़ के जाएंगे भाई? स्ट्रेस है, हर व्यक्ति के मन में स्ट्रेस है, बिना स्ट्रेस के कार्य नहीं होगा। लेकिन ये स्ट्रेस बार बार आएगा और वही स्ट्रेस आएगा तो उसका परिणाम जो है चिंतना में हो जाती है, चिंता निर्माण होने लगती है। और हर व्यक्ति आज ये सोच रहा है कि ये कोरोना का वायरस मेरे अंदर तो नहीं गया ना, ये कोविड मुझे तो नहीं हुआ ना। प्रतिक्रिया है, गया नहीं है अभी, ये प्रतिक्रिया है, ये चिंता की प्रतिक्रिया है। और चिंता का बड़ा सुंदर सुभाषित है संस्कृत में, चिता चिंता समान अस्ति बिंदु मात्र विशेषता। चिता और चिंता दोनों समान है, सिर्फ बिंदु का फर्क है। चिता के ऊपर बिंदु दे दीजिए, चिंता हो जाएगी। निर्जीवम ददते चिता, सजीवम ददते चिंता। निर्जीव व्यक्ति, आदमी मरने के बाद, व्यक्ति मरने के बाद उसको चिता जलाती है, और सजीव व्यक्ति को कौन जलाता है? वो है चिंता, वो है स्ट्रेस। तो फिर ये स्ट्रेस, ये प्रतिक्रिया को हमको बदलना आवश्यक है। और बार बार ऐसी चिंता है, बार बार ऐसी प्रतिक्रिया आने लगेगी तो इसका परिणाम डिप्रेशन आने लगता है, नैराश्य। आज का विषय वही है, स्ट्रेस, तनाव, और तनाव के कारण निर्माण हुआ नैराश्य। और ये नैराश्य का कारण भी ये है, हमारे विचार। हम जो विचार कर रहे हैं, ज्यादातर व्यक्ति पीछे जो भी घटनाएं घटी हैं उसमें की गलत घटनाओं का बार बार विचार करते हैं। आज हर व्यक्ति के करीब का कोई व्यक्ति कोरोना के कारण देहांत हुआ है, कोरोना हुआ है, और वही विचार हमारे मन में बार बार आ रहे हैं। ये नकारात्मक विचार है, और इन नकारात्मक विचार के कारण ही डिप्रेशन आ रहा है। यानी विचार के कारण, और वो भी विचार नकारात्मक। न्यूज भी हम सुनते हैं, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जब न्यूज चलता है तो न्यूज में वो कितने ठीक हुए, कितने बीमार हुए, सब लोगों का ध्यान कितने बीमार हुए उसकी तरफ ज्यादा रहता है, ठीक कितने हुए उसकी तरफ ध्यान रहता नहीं है। भाई कितने लोगों को आज कोरोना हुआ बताओ, आज का नंबर क्या है बताओ। नकारात्मक विचार के कारण स्ट्रेस, और उसके कारण नैराश्य आ रहा है, ये पीछे घटी हुई घटनाओं के बारे में। दूसरा भी एक कारण है, भविष्य काल की चिंता, भाई आगे चलकर क्या होगा, कल क्या होगा। और आज सबसे बड़ा स्ट्रेस
ये वायरस का नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के मन में स्ट्रेस जो है, वैक्सीन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तो 18 से 45 वाले भी शुरू हो गए, मेरा नंबर कब आएगा, लाइन में लगे हैं, मुझे वैक्सीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्ट्रेस, तनाव, भविष्य काल की चिंता के कारण भी ये नकारात्मक विचार आते हैं, और नकारात्मक विचार के कारण डिप्रेशन, स्ट्रेस निर्माण होता है। अभी ये तनाव, ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए प्रगत शास्त्र, एलोपैथी का शास्त्र, कोई दवा नहीं है। यस, बैक कह रहा हूं, देयर इज नो मेडिसिन, नो वैक्सीन, उसके लिए कोई दवा नहीं, ओनली ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट करने वाले कुछ दवाई है और कुछ नहीं। फिर इस स्ट्रेस वाले जंतु को मारने के लिए क्या करना है, ये डिप्रेशन को निकालने के लिए क्या करना है, और इसके लिए एक ही वैक्सीन है, और वो है योग। योग एक ही वैक्सीन है जिसके द्वारा हम तनाव और नैराश्य को, स्ट्रेस को और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। और आप आज की बात मत कीजिए, ये स्ट्रेस और ये डिप्रेशन सालों तक चलने वाला है, और इसका परिणाम हमारे शरीर और मन के ऊपर होने वाला है, और इसका कारण हमारा मन है, और मन का कारण प्रतिक्रिया है, यानी कि योग का विचार किया जाए तो वृत्तियां हैं। और पतंजलि ने योग की व्याख्या बड़ी सुंदर की है, योग चित्त वृत्ति निरोधः, That's all। वृत्तियों का निरोध, प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण, मर गया अब क्या होगा, ये प्रतिक्रिया है। उस घटना के कारण तकलीफ नहीं है, आपकी प्रतिक्रिया के कारण तकलीफ है। योर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी प्रतिक्रिया बदलनी चाहिए, और पतंजलि चाहते भी यही है कि चेंज योर रिएक्शंस, क्योंकि एक्शन आपके हाथ में नहीं है, यू कैनॉट, आप वायरस को निकाल नहीं सकते हो, आपको अगर आप परिस्थिति को बदल नहीं सकते हो, आपको खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलने के लिए योग के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। पतंजलि नहीं, योग वशिष्ठ नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी योग की व्याख्या बड़ी महत्वपूर्ण की है, योगः मनः प्रशमन उपाय, मन के ऊपर अगर कोई उपाय है प्रकर्ष से, मन को अगर शमन करना है, मन को शांत करना है, मन को ठंडा करना है, तो उसके लिए सिर्फ योग है। योग के बिना मन शांत नहीं हो सकता। और पतंजलि का विचार किया जाए, अष्टांग योग का विचार किया जाए, अशोक जी ने यम नियम के बारे में बताया है, मैं तीन चीजों के बारे में बताना चाहूंगा जो आज की इस तनावपूर्ण जीवन शैली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आसन, प्राणायाम और ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट। हर मनुष्य प्राणी के लिए आज अत्यंत आवश्यक है। तनाव दूर करने के लिए आसन बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। आसन के अभ्यास से आपके मसल्स का टोन नॉर्मल होता है। मैं साइंस की बात कर रहा हूं, विज्ञान की बात कर रहा हूं, क्योंकि आसन में रिलैक्सेशन है, शिथिलीकरण है, एंड रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। और इसीलिए तो योग सीखने के लिए किसी तज्ञ के द्वारा सीखिए, आजकल योग को व्यायाम कहा जा रहा है, इट्स रॉन्ग। योग कोई व्यायाम नहीं है, वो तो रिलैक्सेशन का एक तकनीक है, शिथिलीकरण। पहले शरीर का शिथिलीकरण, और शरीर का शिथिलीकरण होगा तो ही तो मन का शिथिलीकरण होगा, और शरीर के शिथिलीकरण के लिए योगासन का अभ्यास, क्योंकि आसन की व्याख्या पतंजलि ने स्थिर सुखम आसन, पहले स्थिर करो और फिर उसको रिलैक्स करो। भाई कुछ लोग आसन करते हैं तो पसीना आने लगता है, भाई आसन में आप व्यायाम कर रहे हो, प्लीज करेक्ट इट, यू आर नॉट डूइंग द योगिक प्रैक्टिसेस, यू आर डूइंग द एक्सरसाइज, प्लीज मेक इट डिफरेंस, उसमें बदलाव कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यायाम गलत है, बिल्कुल नहीं, व्यायाम आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन योग योग के द्वारा कीजिए और व्यायाम व्यायाम की तरह कीजिए। तो योगासन करने से आपके मसल का टोन
नॉर्मल होता है, रिलैक्स होता है, जिसके कारण आपका मन भी रिलैक्स होता है। और ये तनाव आसन में भी स्ट्रेस आता है, आप वो शरीर को उल्टा पुल्टा करते हैं ना और कुछ देर तक वैसे ही स्थिर रखते हो, ये स्ट्रेस अंदर के इंद्रियों तक जाता है। और अंदर के इंद्रियों तक जाकर जैसे अभी अशोक जी ने बताया कि कुछ स्ट्रेस हार्मोन है और कुछ हार्मोन जो है जो आरोग्य के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, जैसे डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, ये सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन जब आप योगासन का अभ्यास आसन की तरह स्थिर सुखम आसन की तरह करोगे तो ही सिक्रीशन होगा, व्यायाम से नहीं होगा सिक्रीशन। योगासन का अभ्यास योग की द्वारा करोगे तो ये सिक्रीशन होगा, और ये हार्मोन्स अगर सिक्रीट होंगे तो स्ट्रेस हार्मोन चले जाएंगे, जो हार्मोन शरीर के लिए आरोग्य के लिए हानिकारक है वो चले जाएंगे। और एक आसन के बारे में महत्वपूर्ण बात, आसन करते समय ध्यान हमारा शरीर की तरफ और सांस की तरफ, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द अपने, और जहां तक मैं देखता हूं वो आसन की क्लास में सब साधक जो है दूसरे का आसन कैसा हुआ है वो देखने में लगे रहते, उसने कैसे किया, अरे भाई खुद की तरफ ध्यान दो। कॉन्शियसनेस अबाउट योर बॉडी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आसन। स्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ध्यान आपके शरीर की तरफ है कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान आपकी सांस की तरफ है कि नहीं, मैं ये श्वसन वाली सांस की बात कर रहा हूँ, वो घर वाली सांस की बात अलग है, उसकी तरफ सबको ध्यान देना पड़ता है। ये जो सांस चल रही है उसकी तरफ ध्यान, अभी ये करोगे तो सांस के तरफ ध्यान दोगे तो हम सब लोग जानते हैं सांस की तरफ ध्यान देने से विचारों पे नियंत्रण आने लगता है। यस, इट इज कनेक्टेड विथ यूर माइंड। इसीलिए रोज के हमारे दिनचर्या में योगासन का अभ्यास आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है प्राणायाम। अभी प्राण का संबंध भी श्वास से है, अगर ग्रंथों का विचार किया जाए ये प्राण, ये श्वास, शरीर, प्राण, मन, ये तीनों से जुड़ा है। वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए हमारे श्वास का संबंध हमारे प्राण से, हमारे मन से और हमारे शरीर से जुड़ा है। उदाहरण देता हूं तो पता चलेगा, आपको जब गुस्सा आता है तो आपकी सांस फूल जाती है। इट इज कनेक्टेड विथ योर माइंड। आपके विचार के अनुसार आपकी सांस चलती है, यानी एक दूसरे को एक दूसरे का संबंध है। आप अगर सांस के ऊपर नियंत्रण लाओगे तो आप आपके विचारों पर नियंत्रण ला सकोगे, और इसीलिए ग्रंथों में कहा है चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे योगिस्तानुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोध है। ग्रंथ में श्लोक आया है कि जैसे वायु चंचल है वैसे ही आपका मन चंचल है, और मन की चंचलता का कारण, मन के तनाव का कारण ये वायु है, और इसलिए क्या करो वायु के ऊपर नियंत्रण लाओ। अर्जुन ने जब पूछा श्री कृष्ण को कि भाई चंचल है मन कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, भाई हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है क्या करूं, श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया तस्मात योगी भव, कुछ मत कर योगी बन जा। योगी बन जा यानी कि योग साधना कर, प्राणायाम का अभ्यास कर, और प्राणायाम का संबंध श्वसन से, और श्वसन इंद्रियों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इंद्रिय जो आज बड़ी चर्चा में है वो है लंग्स, फेफड़ों। जैसे आदरणीय शर्मा जी ने फेफड़ों के बारे में बताया, यस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, और उसकी क्षमता, उसकी कार्य क्षमता, उसकी विकृति, ये सारों के लिए एक ही उपाय है प्राणायाम का अभ्यास, श्वास के ऊपर नियंत्रण और सिंपल टेक्निक्स। और जहां तक मैं सोचता हूं भाई कुछ तकलीफ वाला काम मत कीजिए, सिंपल
inhalation and exhalation, concentrate on your breathing for 10 to 15 minutes. आप कर कर देखिए, you feel the difference. Don't do anything. आप शायद एक प्रक्रिया जाते होंगे, विपश्यना. उसमें क्या कहा है? Just concentrating on your breathing only. That's all. Which is very important. तो प्राणायाम में अनुलोम भ्रामरी प्राणायाम बहुत सुंदर है, आवश्यक है. अभी तो रिसर्च भी आया है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम में जो हमिंग साउंड है उसके कारण नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और जो ये कोरोना वायरस, ये कोविड वायरस को मार देता है. इतना भी संशोधन आया है, वेरी इंटरेस्टिंग. और इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि रोज सुबह, दोपहर, शाम में कम से कम 15 से 20 मिनट प्राइमरी प्राणायाम जरूर कीजिए, ओंकार चैंटिंग जरूर कीजिए. तो डीप ब्रीथिंग, प्राइमरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण अगर हमारे मस्तिष्क का विचार किया जाए तो पैरासिंपेथेटिक नर्व जो है स्टिमुलेट होते हैं. सिंपेथेटिक नर्व को डॉर्मेंट कर देता है ये प्राणायाम. पैरासिंपेथेटिक नर्व जो है स्टिमुलेंट है. और इसीलिए रोज के हमारे दिनचर्या में कुछ आसनों का अभ्यास, कुछ प्राणायाम का अभ्यास, कुछ शुद्धि क्रियाएं भी आवश्यक है. आज शुद्धता के ऊपर सब लोग कह रहे हैं, और हम भी बड़े जागरूक हैं. घर एकदम चकाचक, शरीर भी एकदम साफ. रोज एक साबुन लाते हैं शरीर साफ करने के लिए. भाई बाहर की साफ सफाई तो ठीक है, अंदर की शरीर की साफ सफाई कौन करेगा? अंतर्गत इंद्रियों की शुद्धि के लिए शुद्धि क्रिया बड़े महत्वपूर्ण है. धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकम नौरिकम कपाल भाति चेतानि चक्रमाणि प्रचक्षत. ग्रंथों में 6 प्रकार के कर्म बताए हैं, जिसके कारण हम शरीर के अंतर्गत इंद्रियों की शुद्धि कर सकते हैं. और ये वायरस जो है हमारे शरीर के अंदर ही तो है. और आज का संशोधन ये है, सबसे पहले ये नाक के माध्यम से अंदर जाता है और कुछ दिन रहता है, और फिर ये विकृति निर्माण होती है. अगर हम रोज शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो ये वायरस को निकाल देंगे, बाहर रहेगा ही नहीं. यानी शरीर की शुद्धि के साथ हमारे मन की भी शुद्धि है, और इसीलिए शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास, जैसे हम सब जानते हैं और कर भी रहे, जलनेति कपालभाति, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस. सिर्फ कोविड के लिए नहीं, मन के अंदर जो तनाव निर्माण हो रहे हैं, स्ट्रेस निर्माण हो रहा है, उसके लिए भी ये प्रक्रिया आवश्यक है. क्योंकि शरीर शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा. बिना शरीर के शुद्धि के मन की शुद्धि नहीं होगी. और लास्ट की प्रक्रिया जो है वो है ध्यान. ध्यान यानी मन की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन. हमारा ध्यान ही तो नहीं लग रहा है, हमारा ध्यान सब एक ही जगह है. आज का नंबर क्या है? आज कितने लोगों को हुआ कोरोना, गया कि नहीं गया? गलत जगह पर ध्यान. ध्यान का अभ्यास एक विशिष्ट पद्धति से करना अत्यंत आवश्यक है. मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आवश्यक है, जिसके कारण मन की एकाग्रता होगी, मन की चंचलता कम होगी, और मन सक्षम होगा. बड़ा महत्वपूर्ण है, मन चंगा तो जीवन में गंगा. सारे विकृतियों का मन ही तो मूल है. आज एलोपैथी का एक वाक्य है बड़ा सुंदर, ऑल डिसीजेस आर पार्टली साइकोसोमेटिक. कोई भी विकृति लीजिए, उसके पीछे मन है. अभी यह मन को नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान, मेडिटेशन. मेडिटेशन की अलग अलग विभिन्न पद्धतियां हैं. मेरा सिंपल कहना है कि ओंकार चैंटिंग, आंखें बंद कीजिए, एक तो सांस की तरफ ध्यान दीजिए 15 मिनट, नहीं तो दूसरा ओंकार चैंटिंग, प्राइमरी प्राणायाम, इट इज नथिंग बट प्रैक्टिसिंग ऑफ मेडिटेशन. वेरी सिंपल, कठिन मत कीजिए, सरल कीजिए जीवन को. लेकिन रोज, जैसे अशोक जी बता रहे थे कि 30 मिनट 40 मिनट रोज की दिनचर्या में हमको स्पेयर करना, निकालना अत्यंत आवश्यक है. तो
तो ही हमारा आरोग्य अच्छा रहेगा, हमारे ऊपर इस स्ट्रेस का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। सिर्फ इसी स्ट्रेस का नहीं, आगे चलकर पता नहीं हमको और क्या क्या स्ट्रेस आने वाले, वी डोंट नो, नोबडी नोज आगे क्या होने वाला है, नोबडी नोज आगे, शायद इससे भी ज्यादा कोई तनाव आ सकते हैं। और इन तनावों के लिए उत्तर एक ही है और वो है योग, योगी की प्रक्रिया, अर्थात इन प्रक्रियाओं का रोज की दिनचर्या में अभ्यास। पढ़ते तो बहुत लोग है, मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी बहुत है, रोज अभ्यास करते हैं कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स तू दीर्घ काल निरंतर यह सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, पतंजलि ने कहा है, आर यू प्रैक्टिसिंग, देन इट्स ओके। क्या अभ्यास कर रहे हो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, रोज अभ्यास कर रहे हो कि नहीं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए आज जो भी महानुभाव यहाँ आए हैं, जो भी श्रोता यहाँ आए, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भी योगिक प्रक्रिया आपने सीखी है उसका रोज की दिनचर्या में अंतर्भाव कीजिए, अभ्यास कीजिए। सर्वसामान्य व्यक्तियों को जरूर इसकी जानकारी दीजिए, आप सिखा सकते हो तो जरूर सिखाइए। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट योग के क्षेत्र में, सिर्फ अभ्यास पढ़ाई कर कर डिग्री लेकर फायदा नहीं, वो रोज करते हो कि नहीं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और रोज अभ्यास करोगे तो ऐसे कितने भी तनाव आने दीजिए, कुछ नहीं होगा, 100%। और इसीलिए मैं हर समय कहता हूं, सिर्फ भारत एक देश है जहां का हर व्यक्ति योग जानता है, किंतु वो करता नहीं है, यही तकलीफ है। वो अगर करने लगेगा तो आज सारी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ है और उसके पीछे का कारण योग है। इसीलिए हमारा ये दायित्व है, सिर्फ हम लेक्चर ना सुने, इसका अभ्यास रोज की दिनचर्या में करें, तो ही ये जो हम कुछ ये आरोग्य भारती वाले इतना सुंदर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका फायदा जब ही होगा कि ये सुनने वाले रोज की दिनचर्या में इसका अभ्यास करें और अपने आप को इन तनाव से, डिप्रेशन से दूर रखे, यही विनती करता हूं। यहाँ मुझे बोलने की जो अनुमति दी, यहाँ मुझे समय दिया आरोग्य भारती ने, इसलिए आरोग्य भारती के सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आप कभी भी बुलाइए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को यह समझता नहीं है। लोग इतना कठिन कर रखे हैं आज योग को, सिंपल कीजिए प्लीज, सामान्य व्यक्ति कर सके ऐसे बातें बताइए। तो इसलिए जब भी आप मुझे बुलाएंगे जरूर आऊंगा, आप कभी भी कहीं पर भी बुलाइए। और मैं कोरोना को धन्यवाद देता हूं, जिसके कारण मैं नासिक महाराष्ट्र से हूं और हिमाचल प्रदेश कहां दूर है, कितने दूर के लोगों से जुड़ गया हूं। जैसे अशोक जी बता रहे थे, सी द पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोचो। आपको सच बता रहा हूं, मैं योग के वर्ग मेरे सब बंद है, लेकिन ऑनलाइन वर्ग ज्यादा चल रहे हैं, पहले से ज्यादा, सच कह रहा हूं। और इसीलिए मैं तो कभी कभार कहता हूं भाई, ये कोरोना धन्यवाद, जिसके कारण लोग बढ़ते रहे, कम से कम करते रहे, डर के कारण क्यों ना हो। फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद, और अशोक जी का विशेष मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कारण उनको मैं गुरु समान मानता हूँ, क्योंकि उनका कार्य मैंने बहुत से करीब से देखा है, उनके साथ मैं रह चुका हूँ, उनके साथ कार्यक्रम कर चुका हूँ। इसलिए फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा लिया होगा, इसलिए क्षमस्व, हरिओम। धन्यवाद देशपांडे जी आपके सुंदर उद्बोधन के लिए, आपने बहुत बढ़िया बात की कि स्ट्रेस का बहुत सुंदर चित्रण किया है आपने, स्ट्रेस के बिना हम कोई कार्य कर ही नहीं पाते, अगर रिलैक्सेशन रहेगी तो स्ट्रेस नहीं रहेगी तो कैसे काम कर पाएंगे। तो एक चीज आपने हमें जो बहुत सारे लोगों को ध्यान में नहीं आती, जनरल पब्लिक को, योग और व्यायाम को कलर को एक मान लेते हैं, आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि योग और व्यायाम दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। योग को हम शिथिलीकरण कहते हैं, शरीर उसमें आराम की स्थिति में आता है, योग जो व्यायाम होता है उसमें हम एक तरह से पसीना बहाते हैं अपने जॉइंट्स को, सबको हम उसको मुमल करते हैं। तो अधिक नाम बोलता हूँ, मास्टर जी छत्तीसगढ़ चार्ट ऑफ टाइम, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अब अगले जो वक्ता हैं, हमारे गुरु, हमारे गाइड
डॉक्टर राकेश पंडित जी अपने अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मंच पर उपस्थित हो। डॉक्टर राकेश धन्यवाद। डॉक्टर अनिल जी, आज के इस वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे साथ जुड़े डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, एक्सपर्ट स्पीकर्स के रूप में बहुत ज्ञानी लोग हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर जी डी शर्मा जी, डॉक्टर नेहा जी, उनको एक्चुअली 8 बजे किसी मीटिंग में जाना था, उन्होंने पहले बोल दिया था, तो हमारा कुछ टाइम टेबल गड़बड़ आ गया, इसलिए उनको मीटिंग के लिए जाना पड़ा। उन्होंने प्रेजेंटेशन जैसे भेजी है, हमारे पास पीपीटी, हम शेयर कर सकते हैं बाकी सबके साथ। उन्होंने जो आज कोविड पीरियड के दौरान जो रिसर्च हुई है सारी दुनिया भर में योग की, उसका बहुत अच्छा एक उन्होंने संकलन किया था, उसके ऊपर बोलने वाली थी। चलो अगली बार हम सोचेंगे द्वारा एक वेबिनार करके योग के ऊपर, तो उनको द्वारा आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर श्री प्रवीण देश पांडे जी, प्रवीण जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विषय को रखा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर चमन चौहान जी जो अध्यक्ष हैं आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश के, डॉक्टर हेमराज शर्मा जी महासचिव हिमाचल प्रदेश आरोग्य भारती के, हमारे साथ जुड़े डॉक्टर अनिल मेहता जी उपाध्यक्ष आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर नरेश शर्मा जी हैं अध्यक्ष शिमला जिला के, और मनिंदर कौर जी जो हमारी उत्तर क्षेत्र की महिला प्रमुख है, महिला प्रमुख हैं, वो भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। पंजाब के तो आरोग्य भारती के महासचिव डॉक्टर प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आज की इस वेबिनार में जो हमें बहुत ज्ञान की बातें पहले से जो एक्सपर्ट वक्ता थे माननीय अशोक वार्ष्णेय जी ने हमें बताई है, उसका ज्ञान हम सबको हुआ है। जैसे डॉक्टर श्री देश पांडे जी ने कहा कि हमें जो ज्ञान की बातें सुनते हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया से, या पढ़ते हैं हम किताबों में पढ़ते हैं, हम उस समय बड़ी तारीफ करते हैं, उसकी बहुत अच्छी लगती है हमें और बहुत हम प्रभावित भी होते हैं, लेकिन हम उसका अभ्यास नहीं करते। यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो ज्ञान फिर थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे कम होता है, और जो लाभ उससे उठा सकते हैं उसको नहीं उठा पाएंगे। तो उन्होंने बहुत सही बात कही कि हम इस ज्ञान को जो हमें ऐसे संगोष्ठियों से या किताबें पढ़ के या किसी अन्य माध्यम से मिलता है, उसको हम अपने जीवन में नियमित तौर पे अपनी प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। हम क्योंकि आरोग्य भारती जैसी संस्था से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, सभी प्रोफेशनल्स हैं, तो हमारा ये विशेष दायित्व भी बन जाता है कि हम ऐसी अच्छी चीजें सीखें, उसका खुद अभ्यास करें, साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने बंधु मित्रों का, उनको भी हम प्रेरित करें कि ये ज्ञान उनके साथ बांटे, और उनको प्रेरित करें कि वो भी इसका नियमित तौर पे अभ्यास करें। जैसे स्ट्रेस के बारे में बताया प्रवीण जी ने, स्ट्रेस तो हर समय रहता है, लेकिन वो कैसे तनाव में या डिप्रेशन में चेंज होता है, ये हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि स्ट्रेस तो सबको है, कई लोग बिल्कुल शांत चित्त रहते हैं, कई लोग उससे परेशान हो जाते हैं, तो सब जगह फैला है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मानसिक तनाव जो हो रहा है, इसका एक उदाहरण मैं पहले भी एक बार दिया था, मैं दोबारा उसको आज छोटा सा दोहराना चाहूंगा। एक बार कहीं होटल में पार्टी चल रही थी महिलाओं की, किटी पार्टी होती है उनकी, तो महिलाओं की किटी पार्टी चल रही थी, खाना चल रहा था, डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे हुए थे लोग, तो वहां पर एक कॉकरोच कहीं से आ गया, जो कॉकरोच था वो एक महिला के बाजू के ऊपर बैठ गया, तो महिला ने जोर से छलांग लगाई, चीख मारी, और जो खाने का सामान था बिखर गया, इधर उधर फैल गया सब जगह, और इधर दौड़ना शुरू कर दिया, सब हड़कंप बच गया। इसी तरह कॉकरोच इतनी देर में क्या उड़कर किसी दूसरी महिला की पीठ के ऊपर बैठ गया, तो उसको तीसरी पीछे महिला खड़ी थी, उसने हाथ से ऐसे हिला दिया, वो उड़ के वहां पर जो वेटर था उस कमरे में या जो गेट कीपर था उस हॉल के बाहर खड़ा हुआ, अंदर खड़ा होता, उसकी बाजू के ऊपर बैठ गया, तो उसने बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, वो उसने उसको ध्यान से देखा और धीरे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उसको झपट्टा मार के एकदम पकड़ लिया, मुट्ठी में बंद करके दरवाजा खोला और बाहर कहीं फेंक दिया। तो यह जो रिस्पॉन्स है हमारा किसी परिस्थिति के प्रति, उस कॉकरोच के प्रति उस महिला का क्या रिस्पॉन्स था,
जिसकी पीठ के ऊपर बैठा, उसकी जो हटाने वाली महिला का क्या रिस्पॉन्स था, और जो व्यक्ति जिसकी बाजू के ऊपर बैठा उसका क्या रिस्पॉन्स था, तो ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेस हम कैसे लेते हैं। परिस्थितियां सबको एक जैसी होती हैं, तो उसका अगर हम हमारा रिएक्शन ओवर रिएक्शन होगा तो हमको स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, एंग्जाइटी होगी। फिर आजकल कोरोना जैसे काल में जैसे हम देख रहे हैं कि भय का वातावरण बना हुआ है, पैनिक क्रिएट हो गया एक तरह से, इसको एक ये भी एक तरह का आतंक है जो हमारे शरीर के ऊपर हबड़ा दबड़ी है, घबराहट सी हो रही है, और बहुत सारे लोग डर रहे हैं और कई तरह की बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तनाव से, स्ट्रेस से जो हमारा मनोबल है वो कमजोर होता है। जब मनोबल कमजोर होगा तो हमारा शारीरिक बल निश्चित तौर पर कमजोर होगा। ऐसी स्थिति में जबकि इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए हमारा मनोबल उचित रहना और सशक्त रहना, सबल रहना भी बहुत जरूरी है। तो इन सबको सशक्त रहने के जो सबसे बड़ा उपाय आज है, बिल्कुल मुफ्त है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो है योग, व्यायाम, प्राणायाम। इसके ऊपर मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं एक पढ़ रहा था, लेटेस्ट रिसर्च हुई है अमेरिका में, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ साइंस में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, जो उन्होंने रिसर्च किया है, जो कोविड ड्यूटी में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर थे उनको भी स्ट्रेस हुआ कोविड के कारण। तो उस स्ट्रेस को में कैसे काउंटर किया जाए, उसके लिए उन्होंने प्राणायाम के ऊपर रिसर्च की। तो प्राणायाम के ऊपर रिसर्च की, उसके जो नतीजे हैं वो इतने उत्साहवर्धक हैं। उन्होंने कहा कि जिन डॉक्टर्स ने पैरामेडिकल स्टाफ के को इस स्टडी में इंक्लूड किया, और 8 हफ्ते की स्टडी के बाद उनमें स्ट्रेस का लेवल कम हुआ, तनाव कम हुआ, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, और उन्होंने जो अपनी ड्यूटी थी बहुत अच्छे ढंग से दी बाकियों के मुकाबले। तो प्राणायाम 15 से 20 मिनट उन्होंने कराया, साथ में ओम का उच्चारण काफी लंबे समय तक करवाया। तो उससे यह सिद्ध हुआ कि हम यदि प्राणायाम योग का अभ्यास करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ती है, तनाव कम होता है, तनाव डिप्रेशन कम होता है, और साथ साथ में हमारी जो परफॉर्मेंस है कार्य करने की क्षमता वो भी बढ़ती है। जो स्ट्रेस है, तनाव है, इसके कारण हमारे शरीर पे ऊपर बहुत ही उल्टा असर पड़ता है। अभी डॉक्टर विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक मेरे को पत्र भेजा था रिसर्च पेपर, उसमें मैंने पढ़ा कि जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनकी ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो है 20% तक बढ़ जाती है। अब यदि सामान्य ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वातावरण में भी ऑक्सीजन ठीक है, हमारे शरीर के अंदर भी जा रही है, लेकिन तनाव के कारण हमारा जो स्ट्रेस हुआ है उसके कारण सेल्स की जो डिमांड है वही 20% बढ़ गई, तो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। और हम ऑक्सीमीटर में देखें, इस ऑक्सीजन की लेवल कम आ गया, तुरंत हम ऑक्सीजन के लिए दौड़ेंगे और बाकी सब उपाय करेंगे, उससे फिर एक तरह का तनाव शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मन को शांत करने के लिए योग सबसे उत्तम साधन है। इसके बारे में बताया है, भ्रामरी प्राणायाम है, साधारण ब्रीदिंग है, ओम का उच्चारण है, भजन करना है, सब परिवार के साथ मिलके जो भी आपके इष्ट हैं, प्रभु हैं, ईश्वर है, जिसको भी आप मानते हैं, उसका ध्यान करना, उसमें विश्वास करना, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका अभ्यास करके हम इस महामारी में जो कोविड के कारण हमें तनाव हो रहा है उससे हम बच सकते हैं। मैं अधिक न बोलता हुआ अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब जो आज इस वेबिनार में जुड़े हैं, हम एक संकल्प लेके जाएं कि जो भी हमने जो भी व्यायाम योग हम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसका नियमित अभ्यास करें और अपने समाज में, अपने परिवार में तथा दूसरे लोगों को इसको तेजी से फैलाएं ताकि वो भी इसको करें, और जल्दी से जल्दी कोविड की जो महामारी है निश्चित तौर पे हम इससे मुक्ति पाएंगे। हमारे बीच डॉक्टर विनय सिंह जी हैं, आज समय नहीं है, मैं हम डॉक्टर हेमंत की अगला एक और वेबिनार हम योग के ऊपर करने वाले हैं, तो उसमें विनय सिंह जी को जो उन्होंने रिसर्च की है बहुत साल तक योग के ऊपर, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। भाई साहब एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? जी जी पूछिए। भाई साहब अनिल वासुदेव जे एंड के जम्मू से बोल रहा हूँ। अश्विन भाई साहब, मेरे मन में एक बहुत प्रश्न चल रहा है कुछ दिनों से। प्राणायाम के बारे में हम बहुत डिस्कस करते हैं, योग साधना के बारे में डिस्कस करते हैं,
तो इसकी हमें प्राण शक्ति वायु से ही मिलती है। तो एक शंशा चल रही है मन में कि वायु से हमने ऑक्सीजन भी निकाल दी और जल भी निकाल रहे हैं, जबकि वायु ऑलरेडी प्रदूषित है। क्योंकि अगर हम 2-4-10 साल से रिकॉर्ड देखें तो वायु में इतना ज्यादा प्रदूषण हो चुका है कि वो आम आदमी से टारगेट नहीं हो रहा। तो इस समय कोविड टाइम में हमने ऑक्सीजन भी निकाल दी वायु में से और ऐसे हमने सेटअप्स कर दिए हैं और जल भी निकाल रहे हैं, तो क्या ये आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ खतरनाक तो नहीं सिद्ध होने वाला? ये शंशा है, काफी दिन से चल रही है, जो मैंने आपके समक्ष रखी। और दूसरी एक मेरा एक निवेदन है कि अगर हम, बहुत से लोग अभी कह रहे हैं कि वायुमंडल की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ कर सकते हैं या कुछ घी के दीपक जलाते थे, जैसे बुजुर्ग मुझे आज भी याद है, हमारे पिताजी ने एक पेशेंट देखा था, तो वो थोड़ा कोमा में चला गया था, बच्चा था, तो उसकी माँ को बोला गया कि एक दीपक जलाओ देसी घी का, आज एक जलाओ, कल दो करो, परसों तीन करो, 108 तक जो दीपक उसी रूम में जलते गए, तो वो बच्चा जो है वो ठीक, 100% ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने आंखें खोली और बातें करने लगा, और अभी भी शायद वो इस धरती पे है या नहीं इतना नहीं जानता। तो ये दो संशयें हैं और एक निवेदन है, तो कृपया इसका थोड़ा समाधान अगर हो सके तो मेरा करें, क्योंकि मैं काफी दिन से इसमें थोड़ा परेशान। डॉक्टर विनय सिंह जी, अनम्यूट करिए अपने। हाँ, नहीं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जब पहली बार भाखरा नंगल पर डैम बना था उस समय बहुत से किसानों के मन में ये होता था कि पानी से बिजली निकाल लिया गया, तो अब वो पानी जो है खेतों में अन्न को संचित कर पाएंगे कि नहीं। ऐसा है कि जो हम अगर देखते हैं कि प्राण और वायु ये दो अलग तत्व हैं, और वायु जो है वो अन्नमय कोष लेवल पर काम करता है, उसमें आप ऑक्सीजन, प्रदूषण, ये सारी बातें जो आपकी हैं वो सही हैं। इनको भी अगर हम कम करना चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं और उस समय अगर हम जाके खुले में और पेड़ के नीचे शुद्ध जगह में अगर हम अपना योग करते हैं, तो उसमें ओजोन की जो परसेंटेज रहती है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हुए उन प्रदूषण को बैलेंस करती है। हम अगर योग वशिष्ठ का क्लासिफिकेशन देखें तो घात, संक्रमण और विष, तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये विष में आएंगे, इनको बैलेंस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो हमारा ओजोन है वो उसको काम करता है। ये तो अन्नमय कोष का लेवल का हो गया, लेकिन जो प्राणमय कोष की जो है, जो हमारा जो ये प्राणस्य इदम वसे सर्वम, ये जो मैट्रिक्स है, सो रज्वा भुजंगम इव प्रतिभासितम वही, तो ये जो मैट्रिक्स है प्राण का जिस पर ये प्रतिभासित है, ये हमारा जो विजिबल वर्ल्ड है, जो स्थूल स्थूल सृष्टि है, तो प्राण का जो पूरी जो साइंस है और जो पूरा उसका टेक्नोलॉजी है वो एकदम अफेक्टेड नहीं है इससे, और प्राणायाम के सारे जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजीज है, वो उस लेवल पर काम करती। धन्यवाद। तो इन्होंने उसकी बात की हवन करने की, धूपन की या दिए जलाने की, नहीं वो तो बहुत ही सही है। अजी आप बताएं, आप थोड़ा या कोई और विशेषज्ञ है तो बताएं। वो एकदम हवन का, खास के जो हमारी अपनी भारतीय गाय के जो उपले हैं उनका भी ऑक्सीजन इंप्रूवमेंट होता है। मुझे याद है एक बार प्लेग फैला था बहुत साल पहले, तो धूपन सामग्री बना के अलग अलग जड़ी बूटियों द्वारा उसकी फ्यूमिगेशन की थी जगह जगह, और यहाँ जहाँ उसका धुआं गया वहाँ वो जो उसके इन्फेक्शन थी वो एकदम से कंट्रोल हो गई। तो इसी तरह हमारे शास्त्रों में लिखा अग्निहोत्र के मामले में, तो एक अलग विषय है, इसको अगली बार हम अपने किसी वेबिनार में करेंगे तो वासुदेव जी को भी उसमें बुलाएंगे। तो मैं अनिल भारद्वाज जी से निवेदन करता हूँ, कृपया अगली कार्रवाई जारी रखें। धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी, आपके सुंदर विचार में सुनने को मिले। आप जो रिस्पांस की बात की, इसके प्रति बॉडी का रिस्पांस क्या था होना चाहिए, वो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी आप ले सकते हैं, हम नेगेटिव एस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेकर के ही उसको चलना चाहिए। तो अधिक ना कहूंगा, अधिक नहीं कहूंगा मैं, ऑलरेडी हम काफी लेट चल रहे हैं,
योग की हम जब बात करते हैं, योग तो केवल एक योग का एक अंग नहीं है, 8 अंग होते हैं योग के। योग यम यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, सारी चीजें मिलकर के हम एक कंबाइंड रूप से सबको लेकर के चले तो हम कभी भी रोगी नहीं हो सकते, हमेशा निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो हालांकि ये इनके डिटेल में जाएंगे तो लगभग पूरा दिन लगेगा इन सब चीज को डिस्कस करने के लिए। तो मैं इस वेबिनार के अंतिम पड़ाव में डॉक्टर गौतम दीपाली को, तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो शांति मंत्र इस मंच पर उपस्थित हो ताकि हम इस वेबिनार को अंतिम पड़ाव में पहुंचे। सभी का आज के वेबिनार में स्वागत एवं धन्यवाद। मैं डॉक्टर दीपाली गौतम आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक वार्षण्य जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं में से समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें पॉजिटिव रहकर उसका डटकर सामना करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर जी डी शर्मा जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलने की बात कही और योग को अपनाने और निरोग रहने की बात कही। बहुत ही अच्छे विचार। मैं डॉक्टर प्रवीण देश पांडे जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्ट्रेस का कारण भूतकाल में जो घटित हो चुका है उसका चिंतन या भविष्य की चिंता करना, तो हमें अपनी प्रक्रिया को बदलना चाहिए और आसन प्राणायाम और ध्यान